चलो ठीक। तो वेक्टर्स हम कर रहे थे, वेक्टर्स के अंदर हमने बेसिक एलजेब्रा और रिलेटिव वेलोसिटी दो टॉपिक्स किए थे। रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर हमने इसको जब अप्लाई किया तो हमने एक चीज़ देखी कि रिलेटिव वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो एक ही चीज़ पे बेस्ड है कि अगर मुझे रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि मैं रेस्ट पे हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा एक ट्री को देखते हुए कि मैं चल रहा हूँ, मैं ये बोलूँगा कि ट्री चल रहा है और मैं रेस्ट पे हूँ। ये क्या था हमने। फिर उसके बाद हमने रिलेटिव वेलोसिटी को अप्लाई किया रेन एंड मैन के अंदर, रेन एंड मैन की हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की। और लास्ट जो टॉपिक है, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि वो रिलेटिव वेलोसिटी का है, पर वो भी वेक्टर का ही एक पार्ट है जिसको रिवर क्रॉसिंग बोलते हैं। एक नदी को आपने तैर के क्रॉस करना है, बस ये प्रॉब्लम है, कितनी देर में करते हो और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, बस ये दो क्वेश्चन आते हैं, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो दो टॉपिक्स और पेंडिंग है, एक डायरेक्शन को साइंस करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने छोड़ा था, डायरेक्शन को साइंस बीच में यूज हो रहा था, मैंने छोड़ा था, तो क्या है डायरेक्शन को साइंस वो देखेंगे। और लास्ट में एक और टॉपिक मैंने छुड़वाया जिसको लैमीज थ्योरम बोलते हैं, तो लैमीज थ्योरम कहाँ अप्लाई करते हैं और क्या उसका प्रूफ है, ये आज का लेक्चर है। दैट्स इट। वेक्टर्स का उसके बाद दो शीट शेड मैंने दी भी थी, फिर अपलोड भी की थी सॉल्यूशन की फॉर्म में, देखे भी होंगे सॉल्यूशंस उसके, तो नहीं देखे तो मुझे मालूम नहीं है, पर मैंने इसके सॉल्यूशंस अपलोड किए भी थे। तो आप जो दो असाइनमेंट्स हैं वो एक एक करके नेक्स्ट टाइम डिस्कस होनी है, जो डाउट्स हैं वो मैं क्लोज करूंगा उसे। नेक्स्ट टाइम से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्रोजेक्टाइल मोशन, और थोड़ी थोड़ी फिजिक्स की फीलिंग आएगी अभी आपको। मोशन वन डी आपको याद होगा, आपने किया बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है मोशन वन डी जैसे उसमें, तो अब ऐसा अलजेब्रा नहीं चलेगा, आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखेंगे, बॉल जा रही है, बॉल गिर रही है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, और फिर फोर्स एंड बियॉन्ड। तो अब थोड़ी सी जो हमारा मोमेंटम गेन हो जाएगा, अभी तो क्या एक चैप्टर स्टार्ट होता है फिर खत्म हो जाता है, बहुत जल्दी खत्म होता है, तो उसमें अब थोड़ा लंबे लंबे टाइम 20-20 दिन एक एक महीना एक एक टॉपिक चलता रहेगा, तो मतलब और डेप्थ अंदर जाती रहेगी। एक टॉपिक और मिसिंग मैंने करवाया नहीं, मैक्सिमम मिनिमा कैलकुलस का पार्ट था, तो अगली बार प्रोजेक्टाइल स्टार्ट होने से पहले हम 15 मिनट लगा के पहले मैक्सिमम मिनिमा देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल में कभी कभी यूज हो जाता है मैक्सिमम मिनिमा, तो उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। राइट, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई लोग छुट्टियों में बहुत काम करके आए हैं, तो मुझसे क्वेश्चन पूछे कईयों ने, सर मैक्सिमम मिनिमा रह गया हमने पढ़ा, तो वो मैक्सिमम मिनिमा की जब एप्लीकेशन आएगी प्रोजेक्टाइल में आने वाली है उसके अंदर डिस्कस होगा वो। ठीक, कितने लोगों ने वैसे कर लिया ये रिवर क्रॉसिंग रिकॉर्डिंग में, बहुत लोग है। कितने लोगों ने प्रोजेक्टाइल तक कर लिया, ठीक है। कितने लोगों ने फोर्स तक कर लिया, अच्छा फोर्स तक कोई नहीं है, चलो ठीक है, इतना भी बहुत है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं रिवर क्रॉसिंग। तो हेडिंग डालो रिवर क्रॉसिंग, रिवर क्रॉसिंग। रिवर क्रॉसिंग के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केस नंबर वन, मोशन ऑफ अ स्विमर, मोशन ऑफ अ स्विमर इन अ रिवर, इन अ रिवर, मोशन ऑफ अ स्विमर इन अ रिवर। तो मतलब कि बस बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है, वो तो चलो नाम ऐसे कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं। नदी बह रही थी, बंदे ने छलांग लगा दी, जाना वो सीधा चाहता था, वहाँ नहीं पहुँचा, रिवर का फ्लो उसको आगे ले गया, थोड़ा आगे जाके पहुँच गया, बस ऐसे ही बनेगा और तो कुछ नहीं बनेगा। तो अगर वो सीधा जंप करता है, जैसे सपोज करो ये पहला केस है, मान लो कि ये रिवर है, ये रिवर की जो विड्थ है वो डी है, रिवर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू एफ है, यू एफ का मतलब फ्लो ऑफ रिवर, रिवर का फ्लो राइट की तरफ है, तो रिवर जो है उसका वेलोसिटी वेक्टर राइट बनेगा। यहाँ से स्विमर जंप करता है और ए से लेके बी तक, पहले समझ लेते हैं, वो ये चाहता है कि मैं बी तक पहुँच जाऊँ, वो चाहता है, तो वो सीधा जंप करता है, उस स्विमर की वेलोसिटी वी एस है, वी एस का मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर, स्विमर की वेलोसिटी वी एस है।
ठीक, स्विमर की वेलोसिटी वी एस है, तैर वो सीधा रहे लेकिन रिवर उसके उसको बहा के ले जाएगी आगे की तरफ भेजाएगा, तो कहाँ लैंड करेगा वो बी पे कर नहीं पाएगा, वो कहाँ करेगा वो सी पे करेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये वेक्टर स्विमर का आगे की तरफ है, रिवर का फ्लो यू ऑफ एफ वेक्टर राइट की तरफ है, तो अल्टीमेटली वो इस डायरेक्शन में होते हुए कहां पर लैंड करेगा? एट पॉइंट सी, राइट। तो रिवर का फ्लो या रिवर की वेलोसिटी इधर है, उस मैन की स्विम करने की वेलोसिटी इधर है, लेकिन स्विम करते हुए उसकी जो वेलोसिटी है वो इन दोनों का क्या हो जाएगा? वेक्टर सम। ये देखो, ये ट्रायंगल बन गया एक, तो ये मैन की वेलोसिटी है, स्विमर की वेलोसिटी है, ये रिवर की वेलोसिटी है, अल्टीमेटली ही विल अटेन अ न्यू वेलोसिटी दैट इज रिजल्टेंट ऑफ स्विमर की वेलोसिटी एंड रिवर की वेलोसिटी, तो वी नेट हो जाएगा। और वी नेट का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्विमर की वेलोसिटी का स्क्वायर एंड रिवर की वेलोसिटी का स्क्वायर। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो जब वो तैरेगा तो उसकी जो नेट वेलोसिटी काउंट होगी वो ये नहीं होगी, वो इन दोनों का क्या होगा? रिजल्टेंट काउंट होगा। क्या ये पॉइंट समझ में आया यहां तक? तो प्लीज यहां तक आप नोट करो, पहले डायग्राम बनाओ, केस नंबर वन। तो ये पॉइंट सबको समझ में आया है यहां तक? अच्छा, अगर रिवर फ्लो ना करती, नदी ना बहती, तो वो मैन कहां पर लैंड करता? एट पॉइंट बी। लेकिन रिवर फ्लो होने की वजह से वो कहां लैंड कर गया? एट पॉइंट सी। हम बोलते हैं कि वो बह गया, और इसको फिजिक्स में बोलते हैं कि रिवर के साथ वो ड्रिफ्ट कर गया, बह गया, ड्रिफ्ट कर गया। तो इसीलिए क्वेश्चन में पूछा जाता है What is the drift distance? तो x का मतलब यहां पर क्या है? This is the drift distance. तो उसने कुछ डिस्टेंस के लिए ड्रिफ्ट किया। ड्रिफ्ट डिस्टेंस कभी y एक्सिस में नहीं होगा, ड्रिफ्ट हमेशा नदी के साथ होगा, रिवर के साथ होगा। तो यानी कि एक्सिस क्या होगा उसका? x एक्सिस होगा। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो बहता हुआ वो इधर जा रहा है, तो उस केस में जो ड्रिफ्ट का डिस्टेंस है वो x के अलोंग ही होगा। राइट, क्लियर है यहां तक? तो ये डायग्राम क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो अब पहला क्वेश्चन, कितने टाइम में उसने इस रिवर को क्रॉस किया? ये पहला क्वेश्चन आता है। तो टी इज द टाइम, टाइम टू क्रॉस द रिवर। तो टी इज द टाइम टू क्रॉस द रिवर। तो रिवर क्रॉस कितनी देर में किया उसकी वैल्यू देखते हैं। देखो, जो रियलिटी है ना, तो आपको ये दिखेगा ना आपको ये दिखेगा, अल्टीमेटली आपको मैन ऐसा जाता हुआ दिखेगा। तो पहला केस कि उसने एक्चुअल डिस्टेंस कवर कितना किया, ए सी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, और स्पीड तीनों की कांस्टेंट है इसमें, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट ही रहेगा ऑब्वियसली। तो टाइम इज इक्वल टू जो उसने एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर किया ए सी डिवाइडेड बाय इसके अलोंग उसकी नेट वेलोसिटी क्या थी, वी नेट। तो वी नेट दैट इज ए सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, सॉरी यू एफ स्क्वायर प्लस वी एस स्क्वायर। पहला स्टेप समझ में आया यहां तक कि क्वेश्चन आएगा कितनी देर में रिवर को उसने क्रॉस कर लिया। तो टाइम इज इक्वल टू जो भी डिस्टेंस उसने कैलकुलेट किया ए सी, उसके हिसाब से वो ए सी स्विम किया,
और एसी के अलोंग की वेलोसिटी से ही डिवाइड करना पड़ेगा। ये नहीं है कि डिस्टेंस तो आप एसी ले रहे हो लेकिन वेलोसिटी वीएस ले रहे हो, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। अगर एसी लिया तो वेलोसिटी भी एसी के अलोंग ही लेनी पड़ेगी जो कि इसके इक्वल होगी। पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, कोई डाउट इसमें? टाइम कैलकुलेट करने का एक और तरीका है हमारे पास, फिर से सेकेंड मेथड, जो आसान तरीका है। आसान तरीका यह है, बड़े ध्यान से देखना उसके बाद लिखना, कि मैं एसी डिस्टेंस की बजाय टोटल डिस्टेंस डी ले लेता हूं। मैंने एसी की बजाय डिस्टेंस क्या ले लिया? डी ले लिया। डी का मतलब ये एबी ले लिया, एबी का मतलब यहां पर क्या है? डी। और एबी के अलोंग वेलोसिटी कितनी है? वीएस। तो याद रखना कि इससे कैलकुलेट करो या इससे कैलकुलेट करो, टाइम एग्जैक्टली सेम आएगा। कहने का मतलब ये खास, देखो टाइम कैलकुलेट करने में ना कंफ्यूजन होती है, मैं डिस्टेंस क्या लूं। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत आसान है। देखो सिमिलैरिटी है, हर चीज सिमिलर चल रही है। कैसे? जिन लोगों ने डिस्टेंस एसी लेना है वो वेलोसिटी भी एसी के अलोंग ही ले, जिन्होंने डिस्टेंस सीधा लेना है डी लेना है तो वेलोसिटी भी वो डी के अलोंग ले, और डी के अलोंग वेलोसिटी है कितनी? वीएस। आंसर न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करके देख लेना, वो सेम ही आने वाला है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो आप टाइम को कैलकुलेट दो तरीकों से कर सकते हो, जैसे आप चाहो। काफी लोगों को ये ज्यादा पसंद आता है क्योंकि उनको दिखता है कि जर्नी एसी के लॉन्ग है और नेट वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे। काफी लोगों को ये ठीक लगता है, गलत नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको एसी नहीं गिवन होता, न्यूमेरिकल के अंदर आपको रिवर की विड्थ गिवन होती है हमेशा। तो न्यूमेरिकल्स में वो डी यूज करता है, तो फिर काफी बुक्स के अंदर जब सॉल्यूशन आप पढ़ेंगे तो ऐसे की बजाय ऐसे सॉल्व करता है, फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार गया तो एसी के लॉन्ग था और डिस्टेंस वो डी ले रहा है, ये क्या चक्कर है। तो आप कुछ भी ले लो, रूल बड़ा सिंपल है। अगर आपने डिस्टेंस टेढ़ा लिया तो वेलोसिटी भी टेढ़ी उसके लॉन्ग, अगर डिस्टेंस सीधा लिया तो वेलोसिटी भी सीधी वाली लेनी है, बातें खत्म हो गई। आंसर दोनों में एग्जैक्टली सेम आएगा। तो पहला पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि टाइम कैसे निकालना है, टाइम के लिए कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब लिखना लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर पूछा जाता है, कैलकुलेट ड्रिफ्ट डिस्टेंस। तो आपको क्या निकालना है इस केस में? कैलकुलेट दी ड्रिफ्ट डिस्टेंस। अब मुझे एक बात बताओ, ड्रिफ्ट का डिस्टेंस वाई एक्सिस के अलोंग होगा कि एक्स के अलोंग होगा? देखो ड्रिफ्ट, नदी आपको ऐसे बहा के लेके नहीं जाएगी। अगर मैं नदी जा रही है तो नदी ये कभी नहीं चाहेगी कि मैं सीधा जा पाऊं, नदी चाहेगी कि मैं साथ में जाऊं। तो इसका मतलब जो ड्रिफ्ट का डिस्टेंस होगा वो वाई के अलोंग नहीं होगा, वो एक्स के अलोंग होगा। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? तो उस केस में जो आपकी इक्वेशन लगने वाली है वो किसके अलोंग लगने वाली है? एक्स एक्सिस। राइट, क्लियर है यहां तक? अब देखो, अब ड्रिफ्ट का डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो आप अप्लाई करोगे, मैं अप्लाई करना चाहता हूं एक्स एक्सिस के अलोंग एस इज इक्वल टू वी टी। जब मैंने लिख दिया कि एक्स एक्सिस, अब मैं वाई एक्सिस की वेलोसिटी को कंसिडर नहीं करने वाला। मेरे को कोई मतलब नहीं कि स्विमर की वेलोसिटी वीएस थी, क्योंकि वीएस वेलोसिटी ड्रिफ्ट में बिल्कुल भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रही। सिर्फ ये बताओ ड्रिफ्ट करवा कौन रहा है? रिवर, फ्लो ऑफ रिवर। तो कौन सी वेलोसिटी काउंट होगी? यूएफ। वीएस का कोई काम नहीं, ड्रिफ्ट कौन सी वेलोसिटी करवाएगी? यूएस करवाएगी। तो आप इसमें ऐसे कर सकते हो, एस की जगह अप्लाई कर लो इसमें एक्स, एक्स का मतलब ड्रिफ्ट का डिस्टेंस, तो एक्स एक्सिस का मतलब ये डिस्टेंस है, और इस तरफ कौन सी वेलोसिटी चल रही है? रिवर की। तो रिवर की वेलोसिटी की जगह यहां पर क्या आएगा? यू ऑफ एफ और इनटू टी टाइम। आप मुझे ये बताओ कि ये बंदा जो स्विम कर रहा है वो ड्रिफ्ट हो के राइट जाता जा रहा है, कब तक ड्रिफ्ट करेगा?
जब तक वो अपने ऑपोजिट बैंक पर पहुंच नहीं जाएगा तब तक वो ड्रिफ्ट करता जाएगा। और ऑपोजिट बैंक पर पहुंचने का टाइम टेकन कितना होता है, ये टाइम टेकन लिखा हुआ है हमने, ये रहा टाइम, ये ले लो या ये ले लो, कुछ भी ले लो। तो आप इस टाइम को यहां पुट करोगे तो ड्रिफ्ट का डिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा डी डिवाइडेड बाई वी एस। इसको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ठीक है, एक्स इक्वल टू वी टी लगा लेंगे, बात खत्म। तो पॉइंट समझ में आया, बस इसमें एक ही चीज नोट करने की है कि जो वेलोसिटी लेनी है ड्रिफ्ट के अंदर वो वीएस नहीं लेनी, वो रिवर की लेनी है, कितनी लेनी है, यूएफ लेनी है, बस। पॉइंट समझ में आ रहा है, ड्रिफ्ट के अंदर कभी भी वाई की वेलोसिटीज नोट कभी नहीं काउंट होती, कभी भी नहीं होंगी, ड्रिफ्ट में हमेशा एक्स की ही वेलोसिटीज काउंट होंगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो यहां से आपने टाइम निकाल लिया, टाइम को आपने यहां पुट कर दिया, ड्रिफ्ट का डिस्टेंस आएगा, ठीक। इस टाइप की थ्योरी आपकी किताबों में नहीं मिलेगी आपको, ये मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, मैंने अपने मन से थ्योरी बनाई हुई है, वैसे क्लियर कर दूं। रिवर क्रॉसिंग की प्रॉब्लम्स ना तो स्कूल में आती हैं, वैसे आपके नॉलेज के लिए बता दूं, रेयर चांस, रेयर मतलब मैंने कभी देखा नहीं है, एडवांस के अंदर मैंने नहीं देखा, नीट में एक बार आया हुआ है पिछले 6 या 7 साल में, बहुत आसान क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, वो कौन सा क्वेश्चन है, मेंस में मैंने नहीं देखा। तो इसकी आने की जो प्रोबेबिलिटी है आप पुराने पेपर्स खुद देख लेना, 5 या 6 साल में आपको ये क्वेश्चन दिखेगा नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आएगा भी नहीं। तो हमें टेक्निक पता होनी चाहिए कि हमने कैसे, बाय चांस इस साल आ जाए तो क्या करोगे आप, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए। मैं इसलिए चीज साथ साथ बताता हूँ कि जब हम इंडियन कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन करेंगे ना, आप जब आप 2 साल जब तैयारी करेंगे आपको ना दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि एग्जामिनर का माइंड कैसे चलता है, जो पेपर डालने वाला है, बहुत जो प्रैक्टिस हो जाती है ना आपको टिप्स पे दिखेगा कि यार ये क्वेश्चन तो, ये टॉपिक तो इतना इंपॉर्टेंट है, 4 बार आया हुआ है। तो आप ना जब रिविजन करके जाते हो कॉम्पिटिशन में, आप उन टॉपिक्स को बहुत ध्यान से करके जाते हो, ऐसे करके जो थर्मोडायनेमिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं, या मान लो रोटेशनल के, ग्रेविटेशन का टॉपिक है, ग्रेविटेशन का एक टॉपिक है अर्थ के अंदर अगर हम कैविटी कर दें, अर्थ का कुछ पार्ट निकाल के बाहर फेंक दें तो उसमें ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे चेंज होता है, आप उसको खोल के देखो, वो हर अल्टरनेट साल आया ही आया क्वेश्चन है, पक्का आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब आपको ना अंदर से फीलिंग आएगी कि इस टाइप का क्वेश्चन तो पक्का ही करके जाना है मुझे। तो इसलिए मैं आपको बताता जाऊंगा कि क्या चीजें किस इंटेंसिटी के साथ आपको पढ़नी है, ठीक, तो ये पता होना चाहिए। तो लेकिन बुक्स में गिवन है, मैंने इसको कैसे डिजाइन किया हुआ इस लेक्चर को बता देता हूँ। मैं जब क्वेश्चन, जब मैं कोई बुक देखता हूँ तो थ्योरी में ऐसा कुछ गिवन नहीं है, तो और न्यूमेरिकल आते हैं, एक मैन ने वहां जंप कर दिया, एक सीधा जंप कर गया, एक राइट जंप कर गया, यार अब मैंने ये सोचा बैठ के, एक बंदा खड़े होकर कैसे जंप कर सकता है, या तो वो सीधा करेगा, या वो रिवर के ऑपोजिट कर देगा, या वो राइट पे कर देगा, तीन ही केस करेगा ना, अब और तो कोई केस नहीं बना, या तो वो सीधा सीधा तैरना शुरू कर देगा, या वो इधर जाएगा, या वो इधर जाएगा, तीन ही केस बनते हैं। तो मैंने उसके 3 केस बनाए हुए हैं बस। अब न्यूमेरिकल क्या आएगा मुझे नहीं मालूम, जैसा भी जंप करेगा आपको उसका तरीका पता होगा मुझे करना क्या है बस, पॉइंट्स। तो मैं कोई न्यूमेरिकल नहीं करवा रहा हूं, मैं ट्रिक बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि कॉन्सेप्ट को हैंडल कैसे करना है बस, ठीक हो गया। तो पहला केस क्लोज करें, इस मैन ने ना राइट गया, ना ये लेफ्ट गया, ये एग्जैक्टली सीधा गया, सीधा वाला केस तो बिल्कुल सीधा है, ठीक हो गया। नेक्स्ट केस नंबर 2 लिखो फिर, केस नंबर 2, केस नंबर 2 में अपस्ट्रीम स्विमिंग इन अ फ्लोइंग रिवर, तो अपस्ट्रीम स्विमिंग इन अ फ्लोइंग रिवर। देखो अब वही चीज आ गई कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, इसका मतलब क्या हुआ, रिवर इस तरफ बह रही है राइट की तरफ, इससे पहले वाला केस ये बताते हैं आप उसके परपेंडिकुलर तैरना शुरू करते हो, अब केस है अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब रिवर के ऑपोजिट। तो वो जो मैन अब जंप करेगा, तो अगर ये रिवर है, ये रिवर है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और इमेजिनरी लाइन है, जंप ऐसे किया नहीं उसने, वैसे
रिवर कैसे फ्लो कर रही है राइट की तरफ, ये रिवर का फ्लो है, वो मैन कैसे जंप कर गया इस तरफ, क्योंकि रिवर चल रही है इस तरफ, रिवर चल रही है इस तरफ, और ये मैन कैसे जंप कर गया इस तरफ, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। देखो मैंने बोला तीन केस करेंगे, सीधा वाला हो गया, अब लेफ्ट करेंगे और थर्ड केस राइट करेंगे। तो यहां तक ड्रॉ करो, तो वो मैन अपस्ट्रीम का मतलब रिवर के फ्लो के ऑपोजिट जंप कर गया, तो मतलब रिवर अगर राइट है तो वो इस लाइन के लेफ्ट की तरफ जंप कर गया, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। देखो ये बताओ कि अगर रिवर ना चलती, रिवर रोक लो एक मिनट के लिए, खड़ा पानी कर दो स्टिल वाटर, तो वो मैन स्विम करता 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 कहीं यहां कहीं पहुंच सकता था, ठीक हो गया, वो यहां कहीं लैंड कर जाता, केस क्लोज। रिवर चल रही है, अब रिवर की स्पीड क्या है मुझे नहीं मालूम, रिवर जब चलती है राइट की तरफ तो हो सकता है, देखो यहां तो लैंड नहीं करने का, ये तो बात पक्की है, यहां नहीं लैंड कर सकता, अगर पानी चल पड़ा तो यहां नहीं करेगा, राइट करेगा, इसके कहां करेगा, हो सकता है यहां करे, क्या पता यहां कर जाए, और तेज पानी चलेगा रिवर का तो हो सकता है यहां कर जाए, और तेज चलेगा यहां कर जाए, और भी तेज चलेगा तो होता है यहां, मुझे पता नहीं है, तो डिपेंड करेगा कि रिवर की स्पीड कितनी है। पॉइंट्स समझ आ रहे हैं यहां तक? हां, ये बात पक्की है कि यहां नहीं करेगा, कोई डाउट इसमें? अच्छा, रिवर की जो डायरेक्शन है फ्लो होने की वो टूवर्ड्स राइट है, ये कुछ इस तरीके से है, तो चलो मान लेते हैं रिवर का फ्लो इस तरफ है यूएफ, तो तेज चल रहा है पानी, तो हो सकता है कि वो यहां लैंड कर जाए एट पॉइंट सी, ठीक है, पानी मैंने बोला ना, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आप ये बोलो कि वो लैंड यहां कर रहा है, तो कोई बात नहीं, इस सेक्टर को यहां ड्रॉ कर दो, ट्राइंगल थोड़ा ऐसे छोटा कर देना, लेकिन मैं ये मान रहा हूं कि वो यहां लैंड कर रहा है, तो ठीक है, मेरा नेट जो वेक्टर बनेगा फाइनली वो यहां करेगा, ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, तो मैंने ये मान लिया कि वो पानी इतना तेज चल रहा है कि वो यहां नहीं यहां नहीं यहां नहीं यहां नहीं यहां नहीं और यहां लैंड कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, क्योंकि यूएफ इस तरफ है, वीएस इस तरफ है, और ये क्या आएगा, दिस इज द नेट वेलोसिटी, तो उसकी जो नेट वेलोसिटी होगी वो वेक्टर सम होगा किसका, यूएफ का और वीएस का। पर दिक्कत ये है कि पुराने केस में एंगल 90 बना हुआ था, तो मैंने पाइथागोरस लगाया, मैंने बोला वी नेट इज वेक्टर सम ऑफ यूएफ स्क्वायर एंड वी स्क्वायर, इसमें 90 नहीं बना, और अगर 90 नहीं बना तो मुझे पता नहीं है नेट वेलोसिटी क्या होगी, पर जो भी होगी वो इन दोनों का वेक्टर सम ही होगा, मैं वैल्यू निकाल पाऊंगा, बट मैंने बता दिया कि नेट वेलोसिटी कैसे निकलेगी। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? यानी कि उसकी जो तैरने की अब नेट वेलोसिटी होगी वो वेक्टर सम ऑफ यूएफ एंड वीएस होगा, राइट? तो डायग्राम ड्रॉ करो यहां तक। क्या हुआ? ठीक, अब देखो मैं इसमें ट्राइंगल लॉ यूज कर तो सकता हूं, मेरे को एंगल द्वारा गिवन नहीं है तो मैं नेट वेलोसिटी निकाल नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर आपसे ये पूछूं कि कितनी देर में उसने इस रिवर को क्रॉस किया, तो अगर आप मुझे इस क्वेश्चन में एसी डिस्टेंस बता देते हो
एसी, ठीक, डिस्टेंस एसी उसे कवर किया, अल्टीमेटली तो वो एसी लेके सी तक गया ना, तो उसको किससे डिवाइड करूं, वी नेट से, क्योंकि एसी अगर इस तरफ है तो उसके अलोंग जो वेलोसिटी है उससे डिवाइड करना पड़ेगा ताकि मेरे पास क्या आ जाए, टाइम टी आ जाए। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो इस केस में मैं क्या करूंगा, इसमें अगर मेरे से कोई पूछ ले कि टाइम कितना लगा उसको क्रॉस करने के लिए, तो मैं जो भी डिस्टेंस है एसी उसको एसी के अलोंग वेलोसिटी से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास टाइम आ सकता है। तो आप लिख सकते हो इसमें टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर में ये वैल्यू लिख सकते हो। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब नेक्स्ट इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसमें इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, किसी आसान तरीके से देखते हैं। मैं दो मिनट के लिए रीड्रॉ करूंगा प्लीज डायग्राम, आप अभी पहले समझ लें उसके बाद करना। मैं दो मिनट के लिए मिटा रहा हूं इसे, मुझे यूएफ अभी चाहिए नहीं, ना मुझे वी नेट चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए इसमें। बस ये बताओ कि मैन ने वी एस के साथ जंप किया था, वी एस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, पहला कंपोनेंट इस तरफ होगा वी एस इंटू कॉस ऑफ थीटा और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ होगा वी एस इंटू साइन। पॉइंट क्लियर है? और अगर मैंने ऐसा ड्रॉ किया तो इसकी एक्सप्लेनेशन दो तरीके से हो सकती है। पहला स्टूडेंट ऐसे एक्सप्लेन कर सकता है इसे कि ये मैन ऐसे जा रहा है, ऐसे रिवर को भूल जाओ, रिवर नहीं चल रही, मान लो अगर रिवर नहीं चल रही तो ये मैन ऐसे स्विम कर रहा है और यहां जाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा स्टूडेंट ऐसे एक्सप्लेन कर सकता है कि ये मैन के पास दो वेलोसिटीज हैं, एक उसे ऊपर लेके जा रही है और दूसरी उसे साइड पे लेके जा रही है। तो 2D मोशन यही होती है ना। दो तरीके से एक्सप्लेनेशन है, या तो ये बोलो कि ये मैन ऐसे जा रहा है, या ये बोलो कि वो इधर भी आ रहा है और ऊपर भी जा रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जो लोग वीएस के साथ काम नहीं करना चाहते वो कंपोनेंट्स बनाएं, वो ये बोले कि इस मैन की एक वेलोसिटी जो है उसको यहां लेके आ रही है और दूसरी वेलोसिटी उसे रिवर को क्रॉस करने में हेल्प कर रही है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो मैंने वीएस को हटा दिया, थीटा हटा दिया, तो मैंने वीएस के सीधे दो कंपोनेंट्स ले लिए और मैं ये बोलना चाहता हूं कि मैन की वीएस इनटू कॉस थीटा वेलोसिटी रिवर को क्रॉस करवाने में हेल्प कर रही है और दूसरी वीएस साइन थीटा चाहती है कि वो लेफ्ट की तरफ जाए। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि रिवर फ्लो कर रही है। रिवर कहां फ्लो कर रही है? राइट फ्लो कर रही है, ऐसी कर रही है। तो अब रिवर की वेलोसिटी अगर मैन की इस वेलोसिटी से बड़ी होगी, अब इसको छोड़ दो क्योंकि ये वेलोसिटी तो इसको रिवर को सिर्फ क्रॉस करवाने में हेल्प कर रही है, रिवर का एक्स एक्सिस मोशन में हेल्प नहीं कर रही, वाई एक्सिस मोशन में हेल्प कर रही है। मैं ये पूछ रहा हूं कि एक्स एक्सिस में जब ये मैन स्विम कर रहा है या जैसे भी जा रहा है, रिवर चल रही है, तो मैन कहां जाएगा? रिवर के साथ, रिवर के साथ जाएगा। कब जाएगा रिवर के साथ? आप बोलेंगे जब रिवर की वेलोसिटी इसकी लेफ्ट की वेलोसिटी से बड़ी होगी, तो मैन कहां स्विम करता हुआ जाएगा? राइट जाएगा। चलो मान लो उल्टा केस ले लिया, ये वाली स्विम करने की वेलोसिटी मैन की बहुत बड़ी है रिवर की वेलोसिटी के साथ, फिर तो पक्की बात है कि वो राइट जा ही नहीं पाएगा, उल्टा रिवर के अगेंस्ट इधर मूव करता जाएगा। और अगर दोनों बराबर हो गई, ये वाली वेलोसिटी इसको इसके इक्वल हो गई, अब ना तो वो इधर जा पाएगा ना इधर जा पाएगा, लेकिन ये वेलोसिटी तो अभी भी है, तो अल्टीमेटली वो कहां लैंड करेगा? बी पे करेगा। तो तीन केस समझ में आते हैं यहां तक। अब ये तो क्वेश्चन पूछने वाले पे डिपेंड करता है ना कि रिवर की वेलोसिटी ज्यादा होगी कि नहीं होगी। नॉर्मली 99% से ज्यादा क्वेश्चन में, मैंने कभी देखा नहीं पर फिर भी ऐसा हो सकती है, ज्यादातर क्वेश्चन में रिवर की वेलोसिटी ज्यादा ही होती है, ज्यादातर क्वेश्चन में। तो ऑब्वियसली वो फिर ड्रिफ्ट करवाता है, वो क्वेश्चन पूछता है, नहीं तो उल्टा ही क्वेश्चन बन जाएगा कि वो यहां ड्रिफ्ट करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टेक्निक में उल्टा कर देंगे, इधर की बजाय इक्वेशन इधर लगा देंगे। बट ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट वाइज कि ये मैन राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा या ऊपर जाएगा, वो डिपेंड करता है ये इससे बड़ा है या ये इससे इक्वल है या ये इससे छोटा है। मैं ये मानता हूं मेरे क्वेश्चन में कि मैंने लैंड इसको सी पे करवाया था, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है
मेरी assumption है कि UF is greater than VS sin theta. मेरे हिसाब से तो river की velocity man की उल्टी जानी velocity से बड़ी ही है. कोई doubt इसमें? Clear है यहाँ तक? अच्छा, अब ये बताओ, मेरे इस question में man चाहता तो यहाँ पर था ना land होना, अभी बताया था मैंने, हो नहीं पाया, river चल रही थी. Ultimately वो कहाँ land हुआ? यहाँ पे land हुआ. ये भी clear है यहाँ तक? यहाँ land हुआ. तो ये पॉइंट क्या है? डी. ये पॉइंट क्या है? सी. तो वो डी से सी आया क्यों? क्योंकि रिवर चल रही थी. तो किसने उसे ड्रिफ्ट करवाया? रिवर ने. तो इसीलिए डी से लेके सी तक के डिस्टेंस को हम क्या नाम देंगे? ड्रिफ्ट का डिस्टेंस. पॉइंट समझ में आया? कि अगर रिवर, देखो ड्रिफ्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना बड़ा आसान है, कि मैं ड्रिफ्ट डिस्टेंस बी सी लूं या मैं डी बी लूं या मैं डी सी लूं. आप मन में सोचो, आप तैर रहे हो, रिवर चल नहीं रही, तो कहां लैंड करते? डी पे. रिवर चल पड़ी, कहां लैंड किया? सी पे. तो ड्रिफ्ट हो गए, ऑब्वियसली एक्स एक्सिस में ड्रिफ्ट हो गए, तो कितना डिस्टेंस ड्रिफ्ट हुए? डी सी. तो एक्स का मतलब ड्रिफ्ट डिस्टेंस हो गया. क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? अच्छा, दूसरा, टाइम टू क्रॉस रिवर. तो मैंने आपको बताया था रिवर कितनी देर में क्रॉस की जा सकती है? इतने टाइम में. ये ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पहले एसी निकालो फिर वी नेट निकालो. पहले तो एसी गिवन नहीं होता क्वेश्चन में, कौन देगा आपको टेढ़ा डिस्टेंस, और फिर वी नेट आपको निकालना नहीं आएगा. ये मेथड करेक्ट है पर ये ज्यादा चलता नहीं है, क्योंकि आपको आपके क्वेश्चन में हमेशा क्या गिवन होगी? रिवर की विड्थ. तो टाइम टू क्रॉस द रिवर का एक और तरीका है, आप डिस्टेंस क्या लें? डी. तो वेलोसिटी क्या लेंगे इसके नीचे? Vs. जहां का डिस्टेंस वहां की वेलोसिटी. डिस्टेंस टेढ़ा, वेलोसिटी टेढ़ी. डिस्टेंस सीधा, वेलोसिटी सीधी. तो D को किससे डिवाइड करें? Vs into ये लो, ये टाइम टू क्रॉस द रिवर लिखो. टाइम टू क्रॉस द रिवर इसके इक्वल आएगा. पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? और ये ज्यादा आसान है, क्योंकि D तो आपको हर क्वेश्चन में गिवन होता है. विड्थ ऑफ रिवर आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, और वेलोसिटी आपने सीधी ले लेनी है, काम ही खत्म हो गया. तो लिख लो यहां से, टाइम आ गया. ओके, देखो अब ड्रिफ्ट का डिस्टेंस देख लें. ड्रिफ्ट का डिस्टेंस देखें जरा क्या होगा. देखो इसके अंदर ड्रिफ्ट का डिस्टेंस अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो एक मिनट एक बात को समझना पड़ेगा. मान लो एक मिनट के लिए रिवर नहीं चलती, रिवर नहीं चलती, ठीक. तो उस केस में मैन खुद अपने आप को ड्रिफ्ट एक्स एक्सिस में करवाता है वी एस साइन थीटा से, ठीक. हालांकि ड्रिफ्ट को अगर डिफाइन किया जाए तो ऐसे डिफाइन किया जाएगा कि पानी में बहने को ड्रिफ्ट बोलते हैं, कि हम साथ साथ चल पड़े वो ड्रिफ्ट है. पर कभी कभी क्वेश्चन पूछने वाला ना बहुत स्पेसिफिक हो जाता है,
वो ये पूछ लेता है कि एक्स के अलोंग डिस्टेंस हमेशा ड्रिफ्ट होता है, वो ऐसे बोल देते हैं। अच्छा, 2 मिनट के लिए क्वेश्चन को ऐसे सोचते हैं, पानी नहीं चल रहा, मिटा दो इसे, ठीक है। मैन बी पर पहुंचना चाहता था, पर क्योंकि उसने टेढ़ा जंप किया तो उसको कौन सी वेलोसिटी, अब ऑब्वियसली वो लैंड कहां करेगा, डी पे करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बी पे नहीं करेगा, वो कहां करेगा, डी पे करेगा। तो विद रिस्पेक्ट टू बी, वो अगर पानी नहीं चल रहा, ये वो बात हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू बी वो कहां ड्रिफ्ट कर गया, कहां बह गया या कहां तैर के चला गया, ऐसे बोल लेंगे, डी पे, ठीक है। अब देखो, कई लोग मानते हैं कि ये ड्रिफ्ट नहीं हुआ, कई लोग कहते हैं कि सर वो तो सीधा ही वहां चला गया, ये ड्रिफ्ट कैसे हो सकता है, ड्रिफ्ट का मतलब तो बहना, वो बह के नहीं गया। पर मैं फिर कह रहा हूं, क्वेश्चन पूछने वाला आपको उलझा सकता है, वो ये पूछ सकता है कि पानी नहीं चलता, मैन फिर भी एक्स के लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर गया, तो मैन जो एक्स के अलोंग डिस्टेंस कवर कर गया उसको वो कभी कभी ड्रिफ्ट बोल देता है। तो यहां पर थोड़ी डेफिनेशन में वेरिएशन आ जाती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या बात बनी, पानी चल भी नहीं रहा और फिर भी ड्रिफ्ट यूज करे जा रहे हैं। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर किसी क्वेश्चन में हम उलझ जाएं तो आप प्लीज पढ़ लेना वो विद रिस्पेक्ट टू क्या पूछ रहा है। अगर वो विद रिस्पेक्ट टू क्या पूछता है, बी पूछता है, फिर हम ड्रिफ्ट का डिस्टेंस बीडी लिखेंगे, पर उसमें ये मानेंगे कि पानी नहीं चल रहा। लेकिन अगर वाटर चल रहा है फिर तो बातें खत्म हो गई, फिर तो वो कितना भी जोर लगाएगा वो यहां पहुंच नहीं पाएगा, अल्टीमेटली वो कहां पहुंचेगा, सी पे, फिर वो उसको टोटल ड्रिफ्ट पूछता है, तो वो वर्ड यूज करेगा कि टोटल ड्रिफ्ट का डिस्टेंस क्या होगा, तो टोटल ड्रिफ्ट का डिस्टेंस जो बनेगा वो डी से लेके फिर सी तक बन जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। हालांकि टोटल ड्रिफ्ट का ही क्वेश्चन आता है, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं कि रिवर क्रॉसिंग में रिवर ना चले, फिर वो रिवर क्रॉसिंग कैसे हुई, फिर रिवर को हटा दो, फिर तो रोड क्रॉसिंग कर लो, तो गाड़ी को टेढ़ी चलाओ और ड्रिफ्ट हो गया, तो नॉर्मली होता नहीं, पर फिर भी स्पेसिफिकली बता रहा हूं, अगर हो जाए तो विद रिस्पेक्ट टू पढ़ लेना, ठीक। वैसे रिवर चलेगी, और रिवर अगर चलेगी फिर तो केस ही क्लियर है कि हम कहां से कहां आएंगे, डी से लेके सी तक आ जाएंगे, राइट। जब हम डी से लेके सी तक आएंगे, अब ध्यान से, जब हम डी से लेके सी तक आएंगे, क्यों आएंगे, किसने ड्रिफ्ट करवाया हमें, रिवर ने करवाया, राइट, रिवर ने करवाया। तो अगर रिवर ने ड्रिफ्ट करवाया तो अब ड्रिफ्ट का डिस्टेंस निकलेगा, ठीक। देखो, रिवर ने हमें कितना ड्रिफ्ट करवाया, इस चीज को देखो, डी से चलते हुए सी पे आए हम, तो मुझे सिर्फ यह बताओ कि टोटल ड्रिफ्ट का जो डिस्टेंस आएगा, टोटल ड्रिफ्ट जो हो गया, उसमें रिवर कहां फ्लो कर रही है, टुवर्ड्स राइट, और सिर्फ एक्स के लॉन्ग देखना है, तो ये जो इक्वेशन बनेगी उसका एक्सिस हमेशा कहां लेना है, एक्स लेना है, ठीक, उसका एक्सिस हमेशा एक्स ही लेना है। तो रिवर कहां चल रही है, टुवर्ड्स राइट, तो कितनी वेलोसिटी से, यूएफ। आपने वाई की वेलोसिटी को देखना भी नहीं अभी, क्योंकि आपकी मोशन सिर्फ एक्स के अलोंग है। तो कितनी वेलोसिटी मैंने बोली, यू ऑफ एफ, ये लो आ गया। और यहां से मैन की अपनी एक्स के अलोंग वेलोसिटी भी है, वी एस साइन थीटा, तो नेट वेलोसिटी जिससे कि मैन आगे जाएगा वो क्या होगा, यू एफ माइनस वी एस साइन थीटा। मैंने बताया था यू एफ इज ग्रेटर देन वी एफ साइन थीटा। मैं रिवर चाहती है कि मैन इधर चला जाए, मैन चाहता है कि वो तैर के उल्टा आ जाए, तो रिवर जीतेगी, बिकॉज हमने माना कि रिवर की वेलोसिटी बड़ी है। तो नेट वेलोसिटी इस तरफ कितनी हुई, रिवर की वेलोसिटी में से मैन की एक्स की वेलोसिटी को क्या कर देना है, माइनस। पॉइंट समझ में आ रहा है। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, टाइम, वो कब तक ड्रिफ्ट करेगा, आंसर दो, जब तक वो ऑपोजिट एंड पर पहुंच नहीं जाएगा, और ऑपोजिट एंड पर कितनी देर में पहुंचेगा, टाइम टू क्रॉस, टाइम को यहां पुट कर देंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो कोई भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आएगी उसको कैसे हैंडल करना है आपने, तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो आपने नेट वेलोसिटी ले लेनी है, नेट वेलोसिटी को टाइम टू क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देना, आपका ड्रिफ्ट का डिस्टेंस आ जाएगा टोटल। केस क्लोज। पॉइंट समझ में आ रहा है। देखो, क्वेश्चन दो ही आने हैं, टाइम टू क्रॉस द रिवर वो तो क्लियर है, वो रहा ड्रिफ्ट डिस्टेंस, एस इज इक्वल टू वी टी, बस। तो आपने ये देखना है कि इसमें यू एफ बढ़ा है, इससे आपने इसमें से इसे क्या कर देना है, माइनस कर देना है। लिख लो यहां तक।
देखो नेक्स्ट केस करते हैं, डाउनस्ट्रीम, नेक्स्ट केस इज अपस्ट्रीम की जगह, देखो देखो मैंने बताया था तीन केस है, पहला हो गया, दूसरा होगा, तीसरा सुन लो। तीसरे केस में डाउनस्ट्रीम का मतलब अब जो वो जंप करेगा वो रिवर के अगेंस्ट नहीं करेगा, रिवर के साथ करेगा, ठीक, डाउनस्ट्रीम होगा। कैसे, ये देखो, सपोज करो ये आपके पास रिवर है, रिवर की विड्थ कितनी है, डी है, डी है, ये रहा ए पॉइंट और ये रहा इमेजिनरी बी पॉइंट, ये रहा, ठीक, ए एंड बी पॉइंट। अब वो जो जंप कर रहा है वो मैन अब राइट की तरफ जंप कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी एस मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, और रिवर का फ्लो कहां पर है, इस तरफ है। मुझे सिर्फ एक बात बताओ, अगर रिवर ना चलती, उसको तैरने दो, वो कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा एट पॉइंट सी। रिवर चल पड़ी, अब वो सी के लेफ्ट की राइट, राइट, तो रिवर अगर चल रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ यू ऑफ एफ तो वो यहां कभी नहीं पहुंचेगा, वो क्योंकि रिवर का फ्लो इस तरफ है, यू ऑफ एफ वेक्टर यहां बनेगा, वी ऑफ एस वेक्टर यहां पर है, तो अल्टीमेटली वो यहां पर उसकी जो नेट वेलोसिटी होगी वो इस तरफ होगी, और वो कहां लैंड करेगा, एट पॉइंट डी लैंड करेगा, ठीक है ना यहां तक। और वही सेम ट्राइंगल बन रहा है हर क्वेश्चन में, वही वी एस है, वही यू एफ है, वही नेट है, आप देख लेना तीनों केस में ट्राइंगल सेम है। हाँ, कभी नेट वेलोसिटी इधर है, कभी नेट इधर है, कभी नेट इधर है, तो डायग्राम क्लियर है यहां तक। तो वो ड्रिफ्ट कर गया, अगर वो पानी ना चलता तो ऑब्वियसली वो सी पर होता, रिवर चल पड़ी तो रिवर को चलने की वजह से वो सी से कहां ड्रिफ्ट हो गया, डी पे ड्रिफ्ट हो गया, ठीक, डायग्राम बनाओ। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो टाइम टू क्रॉस द रिवर निकालने के दो तरीके, या तो आप मुझे एडी डिस्टेंस दे दो, अगर आप मुझे एडी डिस्टेंस दोगे तो मुझे आपको क्या बताना पड़ेगा, वी नेट, क्योंकि डिस्टेंस एडी टेड है तो वेलोसिटी भी उसकी तरफ ही लेनी पड़ेगी, तो यहां पर ये एडी को किससे डिवाइड करना है, वी
नेट से, क्या ये पॉइंट क्लियर है तनिष्क? क्लियर है? तो एडी को भी नेट से डिवाइड किया, पर ये ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये हमें ज्यादातर यूज नहीं करते, हम ना ये यूज करेंगे। हमें विड्थ गिवन होगी डी, तो बोलो डी को किससे डिवाइड करें? अब देखो ये वेलोसिटी चाहिए होगी हमें, तो मैं अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं ये मुझे चाहिए नहीं अभी, मुझे वी नेट भी नहीं चाहिए मुझे, तो मैं बेसिकली अपने क्वेश्चन को थोड़ा कंपोनेंट्स में डिवाइड करता हूं। एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, वी एस इंटू, और एक कंपोनेंट वी एस इंटू साइन थीटा, राइट? तो मैं काम करते हैं, हम अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा कंपोनेंट्स में डिवाइड करें तो ये नया डायग्राम बनेगा हमारा, और रिवर चल रही है तो यूएस भी लेना पड़ेगा, राइट? वी एस कॉस थीटा से ये मैन ऑपोजिट बैंक पे जाएगा, राइट? और ये वाली वेलोसिटी से ड्रिफ्ट में हेल्प करेगी, ठीक है यहां तक? तो इस केस में टाइम डी सीधा डिस्टेंस है, तो वेलोसिटी भी क्या लेंगे, वी एस कॉस थीटा, वी एस इंटू कॉस थीटा, तो ये टाइम की वैल्यू आ गई। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर सबसे आसान है, आप ये वैल्यू पुट करेंगे, टाइम टू क्रॉस द रिवर आ जाएगा, लिख लो। नेक्स्ट है ड्रिफ्ट डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक? तो फाइंड क्वेश्चन आएगा, फाइंड ड्रिफ्ट ड्यू टू रिवर फ्लो, दूसरा आएगा फाइंड टोटल ड्रिफ्ट डिस्टेंस, बस टोटल ड्रिफ्ट डिस्टेंस। दोनों में क्या फर्क है मैं आपको बताता हूं, प्लीज हेडिंग लिखना दो। तो या तो आएगा कि रिवर ने कितना ड्रिफ्ट किया वो बताओ, और दूसरा टोटल ड्रिफ्ट क्या हुआ ये बताओ। देखो दोनों में फर्क देखो, देखो ये वही बात हो जाएगी। कई लोग दूसरे बैच में बोल रहे थे कि सर ऐसे कैसे ड्रिफ्ट हो गया, देखो मैं समझा, मैंने उनको बोला अगर रिवर नहीं चल रही, रिवर नहीं चल रही तो बताओ वो कहां लैंड करता, सी पे। तो मैंने क्वेश्चन पूछा कि बताओ उन्होंने कितना ड्रिफ्ट किया, तो एक स्टूडेंट ने कहा कोई भी ड्रिफ्ट नहीं हुआ। मैंने पूछा वो कैसे, तो पानी तो चल नहीं रहा, तो ड्रिफ्ट कौन करवाएगा? तो मैंने पूछा कि ड्रिफ्ट तो हो रहा है ना, एक्स के अलोंग डिस्टेंस तो कवर हो ही रहा है कि वो ठीक है बी से लेके सी तक, तो ड्रिफ्ट तो मानना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये ड्रिफ्ट नहीं है, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ड्रिफ्ट का मतलब पानी के साथ वैसे बहना, पर कई ऑथर ये मानते हैं, कई बुक्स के अंदर लिखा होता है ड्रिफ्ट का मतलब कि आपने एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस कवर कर लिया वो भी ड्रिफ्ट के अंदर आ जाता है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि पानी नहीं चलता मान लो, और वो ये पूछता है कि बताओ इस मैन ने कितना ड्रिफ्ट किया, फिर आपका आंसर बोलो इसमें क्या होगा, बी से। मतलब हम अपने रिवर क्रॉसिंग में बी को ही अपना रेफरेंस पॉइंट मानते हैं कि अल्टीमेटली अगर कुछ नहीं होगा वो बी तक तो पहुंच ही जाएगा,
जितना वो शिफ्ट हो गया उस शिफ्ट को उस नाम दिया गया ड्रिफ्ट। बड़े सिंपल सी बात हो गई। तो ड्रिफ्ट की डेफिनेशन क्या बनी, एक्स एक्सिस के अलोंग जितना डिस्टेंस हो गया कवर वो ड्रिफ्ट डिस्टेंस है। अब पानी नहीं भी चलता तो भी मैन टेढ़ा जाता है तो भी माना जाएगा कि वो क्या करता है, वो ड्रिफ्ट खुद कर रहा है, अपने आप को खुद ड्रिफ्ट कर रहा है, ऐसे बोल दो। पानी लेके जा रहा वो खुद ड्रिफ्ट होता जा रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। तो अगर पानी नहीं चलता, रिवर नहीं चलती, तो उस केस में बोलो ड्रिफ्ट डिस्टेंस क्या काउंट होगा, बीसी। अगर पानी चलता है तो फिर उसका रिवर की वजह से चलने की वजह से ड्रिफ्ट डिस्टेंस कितना कवर हो गया, सीडी। सीडी बिल्कुल भी ना होता अगर रिवर फ्लो ना होती, तो रिवर फ्लो ने उसे कितना डिस्टेंस ड्रिफ्ट करवा दिया, सीडी। ये जो सीडी आया ना, ये ड्रिफ्ट डिस्टेंस आया ड्यू टू रिवर फ्लो। बिल्कुल सही, रिवर फ्लो। समझ में आया यहां तक? जब वो वर्ड लिखेगा ना क्वेश्चन पूछते हुए फाइंड द ड्रिफ्ट डिस्टेंस ड्यू टू रिवर फ्लो, तो बस रिवर का आंसर आएगा। और अगर वो पूछते हैं फाइंड द टोटल ड्रिफ्ट डिस्टेंस, फिर यानी कि वो खुद भी करना चाहता है और साथ में रिवर भी चाहती है, फिर आपका आंसर क्या आएगा, बी से लेके डी तक। अगर क्वेश्चन आएगा वो बंदा खुद, रिवर नहीं चल रही, वो खुद कितना ड्रिफ्ट होता है अपने आप, तो आंसर आएगा बी सी। तो इसका मतलब तीन क्वेश्चन हो गए इसमें। पहला क्वेश्चन हो गया वो रिवर नहीं चलती वो खुद कितना ड्रिफ्ट होता है, आप बोलेंगे बी सी। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि अगर मान लो वो अगर सपोज रिवर कितना ड्रिफ्ट करवाती है, आपका आंसर क्या होगा, सी डी, सी डी। और तीसरा क्वेश्चन आएगा टोटल ड्रिफ्ट कितना हो गया, उसकी वजह से भी रिवर की वजह से भी, आप आंसर क्या देंगे, सी डी। समझ में आ रहा है यहां तक, या बी डी जो भी है। तो तीन क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे समझ में आ रहा है? तो मैंने पहला क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड ड्रिफ्ट ड्यू टू रिवर फ्लो। तो रिवर फ्लो के अंदर ड्रिफ्ट डिस्टेंस, ड्रिफ्ट का डिस्टेंस क्या काउंट होगा इसमें, सीडी। बस तो आपको क्या निकालना है इसमें, सीडी। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? और एक्सिस क्या रहेगा इसमें, क्योंकि ड्रिफ्ट हमेशा किस एक्सिस पे होता है, एक्स। और इक्वेशन हमेशा क्या अप्लाई करेंगे इसमें, वेलोसिटी कांस्टेंट है, s इज इक्वल टू vt। तो s की जगह क्या लिखेंगे यहां पर, cd। ड्रिफ्ट डिस्टेंस क्या लिखना है हमने, cd। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? वेलोसिटी बोलो किसकी वजह से, किसकी वजह से ड्रिफ्ट है, रिवर। तो वेलोसिटी किसकी, सिर्फ मैन की नहीं, क्योंकि मैन नहीं चाहता था कि वो c से लेके d तक आए, ये तो रिवर की वजह से वो c से लेके d पे आया। मैन तो चाहता था वो c पे चला जाए, तो वो तो रिवर चल पड़ी तो वो सी से डी पे आया। तो इसलिए अगर क्वेश्चन में आता है ओनली रिवर फ्लो की वजह से निकाल लो ड्रिफ्ट, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, यूएफ। तो रिवर ने कितना ड्रिफ्ट करवा दिया एक्स्ट्रा, सी डी। मैन खुद कितना करना चाहता था, बी सी। तो रिवर ने एक्स्ट्रा कितना करवा दिया, सी डी। तो रिवर के केस में डिस्टेंस सी डी, और रिवर ने करवाया तो वेलोसिटी भी रिवर की, लिखा होगा क्वेश्चन में रिवर फ्लो की वजह से, तो वेलोसिटी रिवर की, डन। अब इस केस में कब तक ड्रिफ्ट करेगा, जब तक वो अपने ऑपोजिट बैंक पे पहुंच नहीं जाएगा। कब पहुंचेगा, कितने टाइम में पहुंचेगा, पुट कर देना आंसर आ जाएगा। इसको यहां पुट करना है, कोई याद तो करना नहीं कुछ भी है, तो बस कॉन्सेप्ट है। पॉइंट समझ में आया कि जब क्या क्वेश्चन होगा उसका क्या आंसर होगा, समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक। अब अगर उसने पूछ लिया फाइंड दी टोटल ड्रिफ्ट, टोटल का मतलब है मैन भी चाहता है रिवर भी चाहती है, दोनों ने मिलके टोटल ड्रिफ्ट कितना किया, तो इस केस में ड्रिफ्ट डिस्टेंस क्या काउंट होगा बोलो, बी से लेके डी तक। फिर टोटल हो जाएगा बी से लेके डी तक। अगर बिल्कुल भी ड्रिफ्ट ना होता फिर वो सीधा बी पे लैंड कर जाता, पर ड्रिफ्ट ही नहीं हुआ बिल्कुल भी, चाहे वो खुद ने नहीं किया और रिवर ने भी नहीं किया। पर अब टोटल कितना हो गया, बी से लेके डी तक दोनों की वजह से। अब क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बी डी विल बी इक्वल टू वेलोसिटी, रिवर की कितनी है इतनी, उसकी खुद की एक्स में कितनी है, और इनटू कब तक, जब तक वो ऑपोजिट नहीं पहुंच पाता, ऑपोजिट बैंक में कब पहुंचेगा, टी टाइम में। अब इस टी टाइम को यहां पुट करेंगे तो टोटल ड्रिफ्ट डिस्टेंस आ जाएगा।
ठीक, तो मतलब मैन अगर सीधा जाएगा तो भी केस पता लग गया, अगर उल्टा जाएगा, लेफ्ट जाएगा तो भी क्लियर है, राइट जाएगा तो भी क्लियर है, तो तीनों केस क्लियर हो गया हमें। सभी समझ में आ रहा है कि तीनों केस को कैसे करना है? डाउट है किसी क्वेश्चन में? कुछ डाउट लग रहा है, मतलब कुछ कंफ्यूजन हो रही है ऐसा, ठीक लग रहा है? चलें या दोबारा समझाऊं? ओके ठीक है, ओके थोड़ा सा बीच में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वो, स्पेशली ड्रिफ्ट डिस्टेंस को लेके, कि क्या मतलब ये क्या है, कभी टोटल डिस्टेंस कर लिया, कभी रिवर का ड्रिफ्ट ले लिया, क्या बोलना चाहता है, सीधा एक ही क्यों नहीं डिस्टेंस लेता? देखो बड़ी सिंपल सी बात है, मैं फिर समझा रहा हूँ, आपने अगर आप सीधा देखोगे ना समझ नहीं आएगा। अपने मन में ये सोचो, पानी नहीं चल रहा, वाटर नहीं चल रहा, यूएस जीरो करो, जब फिर आपको डिफरेंस नजर आएगा। अगर वाटर नहीं चलता फिर वो मैन अल्टीमेटली सी पर तो आता ही है, पानी ड्रिफ्ट नहीं करेगा, खुद को तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे ही रहे ना, खुद तो ड्रिफ्ट शिफ्ट हो ही रहे उधर, तो मैन अकेला कितना ड्रिफ्ट होता है? बीसी, नहीं चलता रिवर ना चले तो बीसी का ड्रिफ्ट मैन ने खुद जनरेट किया, रिवर चलने से वो सी की बजाय कहां लैंड हो गया? डी पे हो गया, डी पे हो गया। तो जो सी डी है वो जो डिस्टेंस है सी डी, वो किसकी वजह से? वो रिवर का ड्रिफ्ट है, वो रिवर ना चलती तो सीडी भी ना होता, तो इसीलिए सीडी में सिर्फ कौन सी वेलोसिटी काउंट होगी? रिवर की। लेकिन अगर कोई ये कहे कि बी से लेके डी तक का डिस्टेंस निकालो, तो बीडी के अंदर कुछ डिस्टेंस तो इसका हुआ और कुछ रिवर का हुआ, तो दोनों वेलोसिटीज काउंट होंगी, और बोथ वेलोसिटीज आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, तो वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, तो टोटल वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करना है। तो दो के पता नहीं क्या क्वेश्चन आएगा, जो आएगा क्वेश्चन में देखेंगे, बट पॉइंट समझ में आया यहां तक। अब जो क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है किसी कंपटीशन में आया, रेयर है, पर अगर आता है तो इसकी बजाय ऐसा क्वेश्चन आएगा जो मैं लिखवाने जा रहा हूं, तो प्लीज बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लिखो एग्जांपल, इफ अ स्विमर विशेस, लिखो क्वेश्चन, इफ अ स्विमर विशेस to cross the river, if a swimmer wishes to cross the river in shortest path, in shortest path, shortest path को ना box में डाल लो, असली concept ही shortest path पे dependent है, shortest path, find direction in which he should swim, find direction in which he should swim given velocity of river is 4 km per hour, velocity of river is 4 km per hour and velocity of swimmer is 5 km per hour, velocity of swimmer is 5 km per hour, ठीक। वो क्या बता रहा है? वो कह रहा है कि रिवर चल रही है, स्विमर की वेलोसिटी मुझे गिवन है, मैं चाहता क्या हूं कि टाइम की वैल्यू क्या हो, कम से नहीं, शॉर्टेस्ट पाथ हो, सॉरी डिस्टेंस मेरा या डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस मेरा छोटे से छोटा हो। ये तो वही बात हो गई, ये रिवर है, ये रिवर है, ये वो ए स्विमर है, मुझे सिर्फ ये बताओ अगर कोई स्विमर सीधा ए से बी पे जाता है, क्या इसके अलावा ऑपोजिट बैंक में पहुंचने का इससे छोटा डिस्टेंस आपको लगता है कि होगा? अगर आप बी पॉइंट यहां लेते हो, आप कहते हो स्विम करके इस बैंक इस किनारे पे जाऊंगा, तो यह डिस्टेंस बढ़ जाएगा आपका, जहां मर्जी चले जाओ ए बी से लेके छोटा डिस्टेंस आपको मिल नहीं सकता। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो कभी भी क्वेश्चन आएगा, और किसका आएगा? जब लिखा होगा क्या, शॉर्टेस्ट पाथ,
तो शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि स्ट्रेट डिस्टेंस होगा जो कि इस केस में कितना होगा, ए बी होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको कोई डिस्टेंस नहीं ढूंढना, आपको सीधा ए बी ढूंढना है बस। अब थोड़ी देखो, फिजिक्स है तो कॉमन सेंस ही निकल के आई है ना, ये तो है नहीं कोई लिखता है इसे। तो सिर्फ ये सोच के बताओ, आप बैंक इस रिवर के किनारे पे खड़े हुए हो, पानी चल रहा है, आप पहुंचना कहां पर चाहते हो, बी पे। चलता हुआ पानी है, रिवर की वेलोसिटी आपको पता है कितनी है। कोई स्विमर क्या सीधा तैरना शुरू कर दे बी पर पहुंचने के लिए? देखो पहुंचना उसको बी पे है क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ तो ए बी होगा। कहां जाए, लेफ्ट, तो ऑब्वियसली वो जब यहां जंप करेगा, स्विमर यहां जाएगा, तो ऑब्वियस है कि यू ऑफ एफ रिवर उसको यहां ले जाएगी और अल्टीमेटली उसकी नेट वेलोसिटी यहां आनी चाहिए ताकि वो सीधा ए से लेके बी पर आ जाए। डायग्राम समझ में आ रहा है कैसे बनेगा इसमें, कि वो सीधा जंप नहीं करेगा, वो कहां जंप करेगा, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा टू द लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट के साथ थीटा एंगल पे जंप करेगा, पानी अपने आप उसको आगे ले जाएगा, अल्टीमेटली वो कहां पहुंच जाएगा, बी पर। डायग्राम बनाओ, सही है ना यहां तक? अच्छा, अब क्वेश्चन बढ़ के बताओ, स्विमर की अपनी स्पीड कितनी है, 5, रिवर की स्पीड कितनी है, तो ऑब्वियसली उसकी नेट स्पीड क्या होगी, वेक्टर सम, पर पूछा नहीं, एंगल पूछा, एंगल निकाल दो, तो यहां से ट्राइंगल लो, यहां से टैन ऑफ थीटा, बोलो क्या आएगा, 4 डिवाइडेड बाय, तो थीटा क्या आएगा, टैन इनवर्स 4/3, यही होगा, एंगल बताना है ना, कितने एंगल पर जंप करेगा, टैन इनवर्स 4/3 पे जंप करेगा टुवर्ड लेफ्ट, तो अल्टीमेटली कहां पहुंचेगा, ए से लेके बी पे। इसको जब सॉल्व किया जाएगा ना, मेरे को वैल्यू याद है, तो इसका आंसर 53 डिग्री आएगा, 53 डिग्री होता है, लिख लो। हाँ तो कॉस 37 ले लो, कॉस थीटा क्या होगा इसमें, 3/5 तो नहीं होता, तो 4/5 होता है ना, 37 डिग्री पे 4/5 आता है, वो वाला उस तरफ वाला, हाँ तो वहां से 90 माइनस निकलेगा, सही है, वो ट्रिग्नोमेट्री आपकी वो है, मेरी मैंने आपको वैल्यू बता दी कितनी है। ऐसे एंगल आते नहीं है, उसकी चिंता की जरूरत नहीं है, वैसे आ भी जाएंगे वो, ठीक कह रहे हैं आप, ये एंगल ले लो थीटा, ये थीटा ले लोगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5, तो एंगल 37 आएगा, ये 90 है, तो ये 53 अपने आप आ जाएगा, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज, पर टेंशन नहीं है इतनी, इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है, बट ये टाइम वर्स तक छोड़ देना, समझ में आया करना क्या, असली मुद्दा एंगल निकालना नहीं, असली बात है आपको ये समझ में आया कि एग्जैक्टली वो कहाँ स्विम करेगा। अच्छा, कई बार किसी क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है, स्पेशली ऑब्जेक्टिव के अंदर, ध्यान से आगे देवांग, देखो रचित, कई बार ऐसा आता है कि ऑप्शन मिल जाएगा कि 53 डिग्री विद वर्टिकल लेफ्ट की तरफ जाएगा तो पहुंच जाएगा आंसर, कई बार वो पूछता है एंगल रिवर की वेलोसिटी के साथ क्या एंगल है, रिवर जा रही है टुवर्ड राइट, तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनेगा, ये वाला एंगल कितना है 90, ये वाला जो एंगल है कितना है 90, तो आप लिखेंगे 90+53° विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लिख दो कि पॉजिटिव एक्स के साथ कितने एंगल पर स्विम करेगा, 90 प्लस
50 थी. पॉइंट समझ में आ रहा है? नहीं तो वर्टिकल के साथ लिख दो तो भी सेम प्रॉब्लम है. तो रेन एंड मैन वाली सेम प्रॉब्लम है, जिसके मर्जी साथ एंगल लिख दो, पर समझ में आया एंगल कैसे निकलेगा? ठीक. तो ये क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने वाला. तो कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है, ट्राइंगल बनाना है, एक मिनट में आंसर आ जाएगा थीटा. और बनना राइट एंगल ट्राइंगल ही ऐसे कमाल की बात है. ठीक है, यहां तक. एक और क्वेश्चन आता है, वो भी बड़ा फेमस है. देखो दोनों में से एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है. और दूसरा क्वेश्चन लिखो, अ स्विमर विशेस टू क्रॉस द रिवर फ्लो. अ स्विमर विशेस टू क्रॉस द रिवर. अ स्विमर विशेस टू क्रॉस द रिवर फ्लोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर. फ्लोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर इन मिनिमम टाइम. 3 किलोमीटर पर आवर इन मिनिमम टाइम. प्लीज इस बार मिनिमम टाइम को बॉक्स में डाल लेना. पिछला क्वेश्चन क्या था? मिनिमम डिस्टेंस. अब क्या है? मिनिमम टाइम. वो जल्दी पहुंचना चाहता है. नहीं 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 सेम नहीं है. नहीं नहीं सेम नहीं, सेम नहीं है. ठीक है, सेम होता तो फिर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या होता? फिर तो कुछ भी कर दे. सोचते हैं दो मिनट, अभी सोचते हैं. मिनिमम टाइम, फाइंड द डायरेक्शन इन विच ही शुड स्विम. फाइंड द डायरेक्शन इन विच. फाइंड द डायरेक्शन इन विच ही शुड स्विम टू अचीव. बस बस अचीव को छोड़ो, बस पता है क्या अचीवमेंट है उसकी. फाइंड द डायरेक्शन इन विच ही शुड स्विम. ठीक है, किस डायरेक्शन में वो स्विम करे ये बताओ. एंड मैंने इसमें क्या, रिवर की फ्लो 3 किलोमीटर पर आर है. वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज 5 किलोमीटर पर आर. वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज 5 किलोमीटर पर आर. तो जो स्विमर है वो 5 की वेलोसिटी के साथ तैर सकता है. राइट जाए. अच्छा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. तो बहुत लोगों के ओपिनियन इसमें वेरी करते हैं, देखते हैं आपके बैच में कितने करते हैं. देखो मेरे को इस बार जल्दी है. मेरे को डिस्टेंस है, मतलब मेरी तरफ से आप मुझे 2 मीटर आगे तक ले जाओ, पर जल्दी ले जाना ऑपोजिट बैंक पे. तो ये आप यहाँ पर खड़ गए और ये रहा पॉइंट बी, बिल्कुल ऑपोजिट है ए एंड बी. आपको किसी ने जंप करने को कहा और ये कहा कि बताओ किसी भी किनारे पे चले जाओ. जरूरी नहीं है बी, पिछले क्वेश्चन में जरूरी था बी क्योंकि डिस्टेंस शॉर्टेस्ट चाहिए था, तो आपको इधर ही जंप करना पड़ा. इस बार आपको ये कह दिया गया कि रिवर तो यहां जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, आपको जल्दी पहुंचना है. कितने लोग लेफ्ट जंप करना पसंद करेंगे कि फटाफट पहुंच जाए और अल्टीमेटली बी पे पहुंचने की कोशिश करेंगे? एक. अच्छा, कितने लोग सीधा जंप करेंगे, देखी जाएगी, सीधा चलते हैं जहां गए गए. ओके. कितने लोग राइट जंप करेंगे? ओके. आप में से एक ऐसा स्टूडेंट भी था जो राइट के चक्कर में ज्यादा छलांग लगा नहीं पाया, आपने राइट बोला और वो बेचारा यहां चला गया. और बुरा कर देते हैं, बेचारा जंप ही नहीं मार पाया, बस ऐसे ही बह गया. अब क्या हुआ? अब देखो वो रिवर फ्लो करती करती वो बेचारा पता नहीं कब पहुंचेगा, बहता गया साथ साथ साथ. मुझे नहीं पता, आपने बोला कि राइट की तरफ जंप करूंगा, तो पता नहीं कब जाके वो दूसरे बैंक पे पहुंचेगा. अभी नहीं पहुंचेगा, पहुंच तो जाएगा पर बहुत दूर पहुंचेगा, मानते हो बात को? फिर एक स्टूडेंट दूसरे बैच में कहा, सर ये तो चीटिंग हो गई, आपने इतना वेक्टर क्यों, आप ऐसे करो ना. उसने कहा कि आप ऐसे करो, ये लो बस थोड़ा बहुत करो चेंज, मैं ऐसे जंप करूंगा ताकि मेरे को रिवर की वेलोसिटी भी मिल जाए और मैं ऑपोजिट भी चला जाऊं. कितने लोग एग्री करते हैं कि ये वाला ठीक है थोड़ा केस? काफी लोग थे क्लास में. ओके, आप में से ये राइट की तरफ जो जंप करेगा वो कभी भी जल्दी नहीं पहुंचेगा. रिवर का फ्लो आपको सिर्फ ड्रिफ्ट करवा सकता है, आपको ऑपोजिट बैंक तक कभी लेके नहीं जा सकता. वो आपकी मुसीबत बढ़ा सकता है, वो सिर्फ आपको ऐसे कवर करवाएगा डिस्टेंस, ऐसे नहीं कभी करवाएगा. तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि रिवर मेरे को फायदा देगी, वो कभी भी नहीं देगी, वो आपको सिर्फ साथ लेके जा सकती है लेकिन आपको क्रॉस नहीं करवाने के लिए अलाउ करेगी. तो आपकी सोच थोड़ी सी गलत है. तो जो लोग ये सोचते हैं कि मैं तो राइट जाऊंगा तो मेरी बात बनेगी, तो उनकी बात नहीं बनने वाली. वैसे मैं बता दूं,
कितने लोग अब एग्री करते हैं, और कईयों को अभी भी तसल्ली नहीं हुई, अभी मन में अभी भी रखे बैठे हैं, नहीं मैं तो राइट ही जाऊंगा क्योंकि रिवर के साथ ही जाना पसंद करूंगा, मैं फटाफट टेढ़ा जाऊंगा और रिवर भी हेल्प करेगी और मैं पहुंच जाऊंगा। मैं उसका आंसर अभी एक और तरीके से दूंगा, आपको समझ में आएगा। कितने लोग कहते हैं कि लेफ्ट जाना ही ठीक है फिर तो? अब देखो, लेफ्ट में एक प्रॉब्लम है यार, रिवर के साथ स्ट्रगल करते रह जाओगे, वो चाहती है इधर, आप चाहते हो इधर, इस लड़ाई के चक्कर में पता नहीं आगे पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे। इसका आंसर है आप बस सीधा ट्रेवल करते जाओ, आपको थोड़ी ना कहा बी पे लैंड करो, आप लैंड जहां मर्जी करो, जब आप सीधा जाएंगे तो आपका टाइम सबसे कम लगेगा। अब आप सोचेंगे ये कैसे, रिवर तो परपेंडिकुलर हो गई, उल्टा मेरे को तो बहुत जबरदस्त ऑपोजिशन मिलने वाला है। मैं आपको बताता हूं, एक बड़ा सिंपल मैथ्स का तरीका बताता हूं, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। मेरी तरह आपको भी समझ में नहीं आया कि कहां जंप करना है, आप खड़ गए किनारे पे, अब आप सोच रहे हो इधर जाऊं इधर जाऊं या सीधा जाऊं, लेकिन आपको वेक्टर आता है और वेक्टर ये बोलता है कि लेट अस सपोज, चलो मैं यहां चला गया 2 मिनट के लिए, मैंने कहीं भी आंख बंद करके चलो जंप मार दी, मेकिंग एन एंगल ऑफ, यहां मारनी है यहां मार लो, यहां करनी है यहां करो, जहां मर्जी कर लो, कोई चक्कर नहीं, डन। ये बताओ कि वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट आपको हेल्प करेगा इस रिवर को क्रॉस करने के लिए, वी एस कॉस थीटा या वी एस साइन थीटा? साइन थीटा तो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस मैनेज करता है ना, लेकिन आपको तो ऑपोजिट बैंक में जाना है, तो आप किस वेलोसिटी में इंटरेस्टेड हैं, वी एस कॉस थीटा। अच्छा चलो ये नहीं क्वेश्चन बनता, तो ऐसे बता दो टाइम टू क्रॉस द रिवर बोलो क्या होगा, कितनी देर में रिवर क्रॉस कर सकते हो, डी डिवाइडेड बाई क्या, वी एस डी वाई वी एस कॉस थीटा, तो डी को किससे डिवाइड किया, वी एस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने टाइम में रिवर क्रॉस हो सकती है अगर आपने इस एंगल पे भी जंप किया, कोई डाउट इसमें? आपको टाइम को क्या करना है, मिनिमम टाइम क्या चाहिए, मिनिमम, तो इसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, वो वी एस को तो फिक्स वैल्यू है, वी एस तो चेंज हो नहीं सकती, एंगल चेंज कर सकता है जंप करने का। अब आप चाहते हो कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या आए, क्योंकि अगर ये मैक्सिमम होगी तो टाइम मिनिमम आएगा, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बोलो क्या होती है, 1, और जो कि कब होती है, तो बस चुप करके सीधा जंप करो, क्योंकि थीटा 0 का मतलब है सीधा जंप करना। पॉइंट समझ में आया यहां तक? आप किसी भी एंगल पे जंप करोगे आपका डिनोमिनेटर कॉस थीटा की कोई ना कोई वैल्यू तो आई जानी है, आपका डिनोमिनेटर कम हो जाएगा और मैक्सिमम एक ही सिचुएशन में होगा जब कॉस थीटा की खुद वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1, 1 का मतलब थीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ये डायग्राम ऐसे नहीं बनाना, यहां बना लो तो भी वी एस कॉस थीटा कॉम्पोनेंट आना है। तो अल्टीमेटली आज के बाद हम ये कुछ नहीं करने वाले, हम एक सीधे शॉर्टकट याद करेंगे। अगर मुझे कोई ये कहे कि मिनिमम टाइम में पहुंचना है, तो मैं सीधा जंप कर दूंगा रिवर में और जहां देखी जाएगी जहां पहुंच गया, लेकिन टाइम टेकन उस केस में हमेशा मिनिमम ही निकलेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? सीधा शॉर्टकट याद रहेगा, तो मैं किसी एंगल पे जंप नहीं करूंगा, मैं परपेंडिकुलर टू द रिवर जंप करूंगा, थीटा 0 पे सीधा। ये प्रूफ समझ में आ रहा है सबको, ऐसा क्यों? क्लियर है यहां तक? तो ये बताओ कि आपको क्या निकालना है इसमें, मिनिमम टाइम, तो बोलो क्या होगा, डी डिवाइडेड बाई वी एस कॉस थीटा, में कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, तो टाइम क्या आएगा, आंसर। तो आपको इस क्वेश्चन में, हाँ इस क्वेश्चन में विड्थ ऑफ द रिवर 1 किलोमीटर कर लो प्लीज, गिवन डी इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर को बताओ वी एस स्विमर की स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर, लो 5 घंटे उसको कम से कम लगेंगे ऑपोजिट बैंक में पहुंचने में, ये मिनिमम टाइम होगा। किसी और एंगल पे जाओगे तो 5.5 घंटे या जितने भी है बढ़ भी सकते। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या हो गया? ओह सॉरी, 1/5, 1/5, सॉरी 1/5 आर लगेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे कर रहे हैं? मेथड समझ में आया कि मिनिमम टाइम की वैल्यू कैसे, ये क्वेश्चन आया हुआ है मिनिमम टाइम का, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, कोई इतनी टेंशन है नहीं, जरूरत नहीं है। पर रिवर क्रॉसिंग इंटरेस्टिंग है, रेन एंड मैन से इंटरेस्टिंग लगती है मेरे को वैसे, बाकी पता नहीं आपका टेस्ट क्या कहता है।
पूछ पूछ एक सिंपल शॉर्टकट बन गया। अगर तो उसने बोला मिनिमम डिस्टेंस, तो फिर तो मैं चाहता हूँ बिल्कुल सामने चला जाऊँ, फिर तो जहाँ रिवर जा रही है उसके ऑपोजिट जंप करूंगा, थीटा एंगल आ जाएगा। अगर उसने कहा मिनिमम टाइम, फिर थीटा सीधा जीरो, बात ही खत्म हो गई, सीधा जंप कर पाऊंगा, अपने आप ही मिनिमम टाइम में पहुंच जाऊंगा। तो ये तो बिल्कुल दो केस बिल्कुल क्लियर हो गए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। इतनी डिस्कशन के बाद तो वैल्यू याद होगी कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, और आने दो ही हैं, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आना है या शॉर्टेस्ट टाइम आना है। बट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक, ओके, रिवर क्रॉसिंग खत्म करते हैं और दो जो मैंने बताए टॉपिक्स पेंडिंग है उसको क्लोज करते हैं। डायरेक्शन को साइंस, डायरेक्शन को साइंस, इसका ना एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, मैंने सॉल्व नहीं किया था डायरेक्शन को साइन का, ये अब हो जाएगा सॉल्व। देखो डायरेक्शन को साइंस में दो अलग अलग वर्ड है। पहला डायरेक्शन, तो ऑब्वियस है किसी वेक्टर की डायरेक्शन की बात हो रही है, और कोसाइन का मतलब कॉस फंक्शन यूज होगा इसमें, तो कॉस को हेल्प करके हम डायरेक्शन निकालेंगे। देखो एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, अभी तक हमने काम 2D में किया, हमने कहा कि ठीक है ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये मेरा एक वेक्टर ए वेक्टर है, तो इसकी डायरेक्शन बताओ कहाँ है। तो आपने कहा ठीक है इसकी डायरेक्शन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस है, 60 डिग्री विद वाई एक्सिस है, बात खत्म। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा एक्स वाई प्लेन में वेक्टर कहाँ की डायरेक्शन क्या होगी। आप ऐसे एक एंगल बताएंगे तो भी पता लग जाता है, अगर एक्स और वाई दोनों के साथ डायरेक्शन बताएंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाता है। ऐसे ही है 3D के अंदर क्या होगा, 3D का मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और एक जेड एक्सिस है, ये रहा। ठीक, तो ये वाई, ये एक्स और ये जेड, और ये आपके पास एक्चुअल वेक्टर है। अब वो एक्स वाई प्लेन में नहीं है, अभी तक क्वेश्चन एक्स वाई प्लेन में चलते थे, अब वो टेढ़ है ऐसे है। अब इस वेक्टर ने x के साथ भी एंगल बनाना है, y के साथ भी एंगल बनाना है और z के साथ। अब 2D की जगह 3D हो जाएगा। ठीक, तो सपोज इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि मान लो आपके पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, और ये कोई भी एक वेक्टर है। प्लीज, ये ऐसा लगता है कि एक्स वाई प्लेन में है लेकिन मैंने इसको बोर्ड के बाहर बनाया हुआ है, सच दैट x के साथ एंगल अल्फा, y के साथ बीटा और इस z के साथ इस गामा। अब 3D लुक देने के लिए मुझे बनाना पड़ेगा कि z के साथ भी एंगल कोई गामा। तो ये तीन एंगल्स आपको की प्रॉपर डायरेक्शन बताएंगे कि x के साथ कितना एंगल, y के साथ कितना और z के साथ कितना। तो आपको a वेक्टर की डायरेक्शन तीन एंगल से पता लग सकती है। क्लियर है यहां तक? तो तीन एंगल कौन से, अल्फा, बीटा, गामा। तो एक वेक्टर का एक्स के साथ एंगल अल्फा, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गामा। तो अगर आप इसके आगे कॉस लगा दें, कोसाइन लगा दें, तो ये जो वैल्यूज आएंगी इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। ये कॉस क्यों लगता है लंबी स्टोरी है, बट हम अकेले एंगल्स के साथ रिप्रेजेंट नहीं करते, हम कॉस के साथ करते हैं, मैं बताता हूँ क्यों अभी। बट ये पॉइंट समझ में आया, डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा,
इसको डायरेक्शन को साइंस बोलते हैं। ठीक, इसकी एप्लीकेशन बहुत कम है, बहुत रेयर है, स्कूल में कोई नहीं पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन है, मेरी असाइनमेंट का ही है, डायरेक्शन को साइंस का, मैंने खुद नहीं किया, लेकिन मैं बता देता हूँ क्या वो क्वेश्चन था इसको टॉपिक करने के बाद, ताकि वो क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है। ठीक, तो यहाँ तक लिख लो प्लीज़ एक मिनट। डायरेक्शन को साइंस को कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, डायरेक्शन को साइंस का एक और भी सिंबल है एल एम एन, वेयर एल इज कॉस अल्फा, एम इज कॉस बीटा, एन इज कॉस गामा, ये भी लिख लो एल एम एन, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब एक चीज देखो, अगर मान लो मैं सिर्फ 2D की बात करता हूँ, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और मान लो 2D में ये एक वेक्टर a, एक a वेक्टर है, तो इसका एक कंपोनेंट x के अलोंग है और एक कंपोनेंट y के अलोंग है 2D में, और मान लो ये एंगल कितना है अल्फा, तो मुझे इस ट्राइंगल में बताओ cos अल्फा किसके इक्वल होगा, ए एक्स डिवाइडेड बाई ए, तो ए एक्स किसके इक्वल होगा ए, या चलो ऐसे ही रहने दो, ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अच्छा ये बताओ डायरेक्शन को साइंस की फॉर्म में इस वेक्टर ने एक्स के साथ अल्फा एंगल बनाया तो वाई के साथ कितना बनाया बीटा, तो अब इस ऊपर वाले राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कॉस ऑफ बीटा बोलो क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, ए वाई बाई ए, चेक करो कॉस अल्फा इज ए एक्स बाई ए, कॉस बीटा इज ए वाई बाई। ठीक, 3D बना नहीं सकता, लेकिन अगर मैं 3D बनाऊं तो कॉस गामा क्या होगा, ए जेड बाय सिमिलरली एक्स के अलोंग ए एक्स है, वाई के अलोंग ए वाई है, तो जेड के अलोंग भी कुछ ए जेड होगा, तो सिमिलरली दिया कि एक्स के अलोंग कॉस, और यहां तक लिखो प्लीज, तो सिमिलरली चलता है 2D के पैटर्न में चलता है, आपको देख सकते हैं 3D सिमिलरली कर देते हैं। Thank you.
ओके देखो तो ये तीन ही क्वेश्चंस क्लियर हैं। अच्छा ये बताओ कि इस क्वेश्चन में मैंने ए वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स बनाए, तीन ए एक्स किसके अलोंग आई कैप ए वाई के पीछे और ए जेड के पीछे, ये पॉइंट क्लियर है। जो ए वेक्टर है उसके तीन कंपोनेंट्स हैं ए एक्स ए वाई एंड ए जेड, एक एक्स के अलोंग एक वाई के अलोंग और एक जेड के अलोंग। लिखो ये नहीं, पीछे आई कैप लग गया ना, मैग्नीट्यूड एक्स है और डायरेक्शन के लिए आई कैप है। हाँ जी ठीक है, यहाँ तक रजत क्लियर है रजत। अच्छा ये बताओ इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, ए का अंडर रूट ऑफ क्या ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ए स्क्वायर इज ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। ठीक, इस वैल्यू को मैं थोड़ी देर में यूज भी करूंगा। ठीक, और लास्ट स्टेप है स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर वन टू एंड थ्री। तो आपके पास क्या आएगा, कॉस स्क्वेयर अल्फा कॉस स्क्वेयर बीटा कॉस स्क्वेयर गामा इज ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर ए जेड का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो इसको स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, राइट हैंड साइड को भी स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो एलसीएम लेके वैल्यू आएगी। चेक करो उन इक्वेशंस को स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर 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 और ऐड करेंगे तो एलसीएम आ गया ए स्क्वायर। ठीक, पर मुझे पता है इस बॉक्स से ए स्क्वायर किसके इक्वल है ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, तो मैं यहां पर ये वैल्यू पुट करके इसे क्या कर सकता हूं, कैंसिल तो क्या आएगा वन, इसका मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा एंड कॉस स्क्वायर गामा इनका सम क्या आएगा वन, यानी कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का सम क्या आएगा वन। तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, क्या रिजल्ट है कि जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा उनका स्क्वायर करके उन्हें अगर ऐड किया जाए तो आंसर क्या आएगा वन, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या था ये सुन लो, जो हमने छोड़ा था ऑप्शन में साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा का सम पूछा था क्या होगा, नहीं होगा वन, इसमें पुट करो वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इसकी जगह वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा इसकी जगह वन माइनस साइन स्क्वायर गामा, सॉल्व कर लेना तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा निकल आएगा। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था कि थ्री आएगा भी आएगा, समझ आया यहां तक कि डायरेक्शन को साइन वर्ड यूज करे तो ये रिजल्ट सबसे पहले काम आएगा, एनसीईआरटी में नहीं आएगा, स्कूल में कोई नहीं पूछेगा, प्रूफ अपनी समझ के लिए आपसे कोई नहीं लिखवाएगा, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए बस। ठीक, यहां तक क्या पॉइंट क्लियर है, यहां तक कोई डाउट इसमें समझ में आ रहा है यहां तक। और लास्ट इज लैमीज थ्योरम और क्लोज करते हैं वेक्टर को उसके बाद। लैमीज थ्योरम,
देखो लैमीज थ्योरम एक ऑप्शनल, मैं ये बोलूँगा कि मैंडेटरी नहीं है कि आनी ही चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं खुद लैमीज थ्योरम बड़ी कम यूज़ करता हूँ, लेकिन कभी कभी बुक्स यूज़ कर देती हैं, स्कूल वाले पूछ लेंगे स्टेट एंड प्रूव लैमीज थ्योरम, तो बस इसलिए बताना चाहता हूँ कि आपको ये ना लगे कि लैमीज थ्योरम नहीं करवाई, या स्कूल में कई बार मुझे डर लगता है कोई डाल ही दे टीचर। अदरवाइज लैमीज थ्योरम की बजाय हमारे पास बहुत अच्छे मेथड हैं जिससे कि क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो सकते हैं। पर सीखने में बुराई नहीं है, कोई चीज़ आ जाएगी तो अच्छी बात है, एक टूल और ऐड हो जाएगा, यूज़ हो गया ठीक, नहीं तो नासी। मैं प्रूफ करवाने से पहले बताना चाहता हूँ लैमीज थ्योरम है क्या। लैमी साइंटिस्ट का नाम है, उसने थ्योरम बनाई थी लैमीज थ्योरम, और मतलब कोई सोचे कि लैमी का मतलब बताया नहीं क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है। प्लस टू के ऐसे कई टॉपिक्स हैं जो ऐसा लगता नहीं कि साइंटिस्ट के नाम होंगे, तो वो ऐसा लगता है कि पता नहीं वो तो बताया ही नहीं उसका मतलब क्या था, तो ऐसा बहुत कुछ हो जाता है। तो ये थ्योरम कैसे काम करती है पहले बताऊंगा, और जाते हुए प्रूफ करेंगे। प्रूफ एनसीईआरटी के लिए, स्कूल के लिए, लेकिन कॉम्पिटिशन के लिए एप्लीकेशन आनी चाहिए। इस थ्योरम में सपोज करो ये आपके पास एक फोर्स है F1 वेक्टर, एक ही बात है, यहां बनाया एक ही बात है, कोई फर्क नहीं। दूसरी एक और फोर्स है F2 वेक्टर, ये रहा, दिस इज F2 वेक्टर, यहां नहीं बनाऊंगा, यहां बना दूंगा, एक ही बात है। ये कितने लोग एग्री करते हैं एक ही बात है यार, वेक्टर को यहां नहीं बनाया, पैलोग्राम से यहां बना दिया, जहां मर्जी बनाऊ यहां बनाऊ या यहां बनाऊ, एक ही बात है। उसमें उधर बना दिया, इस डायग्राम में इधर बना दिया, पॉइंट क्लियर है यहां तक, क्योंकि ना तो मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं F2 की, ना मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूं। तीसरी एक और फोर्स है सपोज F3 वेक्टर, राइट, ये रही, वहां नहीं बनाया, यहां बना दिया, क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात है। तो उस डायग्राम में और इस डायग्राम में कोई फर्क ही नहीं है, पॉइंट समझ में आया पहले तो यहां तक, उन दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस फर्क ये है वो ट्राइंगल की फॉर्म में है और यहां पर हमने 3 वेक्टर को एक पॉइंट से स्टार्ट कर दिया। पर अगर मैं इसको उठा के इधर ले आऊं और इसको इधर ले आऊं तो वो ट्राइंगल ही बनेगा अल्टीमेटली, पॉइंट समझ में आया, कि देखने में अलग अलग लगते जरूर हैं लेकिन एक्चुअल में ये एक ही है। चलो उसको बाद में यूज करते हैं। आपको आपके न्यूमेरिकल्स में ऐसा डायग्राम गिवन होगा, और लैमीज थ्योरम कभी भी 2 वेक्टर पे ही लगती नहीं है, 4 पे भी नहीं लगती है, 3 पे ही लगती है। लैमीज थ्योरम में 3 फोर्सेस चाहिए, 1, 2 और 3, किसी भी डायरेक्शन में चलेगी, लेकिन एक्ट वो एक ही पॉइंट पे होनी चाहिए, ये रहा वो पॉइंट। तो किसी एक पॉइंट पर 3 फोर्सेस लग रही हैं किसी भी डायरेक्शन में, सच दैट F1 के ऑपोजिट जो एंगल है सपोज वो अल्फा, F2 के ऑपोजिट जो ये एंगल है सपोज बीटा, और दिस इज सपोज गामा। लैमीज थ्योरम की पहली कंडीशन ये कि 3 फोर्सेस होनी जरूरी हैं, एक ही पॉइंट पर एक्ट होनी जरूरी है, एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट कंडीशन, ये तीनों फोर्सेस की नेट फोर्स क्या आनी चाहिए, 0, यानी कि सिस्टम किस में होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब चाहे 3 लोग फोर्स लगा रहे हैं लेकिन ये पार्टिकल बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो भी पैलोग्राम से रिजल्टेंट आएगा वो इसको आपस में क्या करेगा, कैंसल, ताकि नेट फोर्स पूरे सिस्टम पे क्या रहे, 0। तो लैमीज थ्योरम इक्विलिब्रियम पे ही लगती है, जहां पर 3 फोर्सेस हो एक ही पॉइंट पर एक्ट करे और तीनों का नेट फोर्स क्या आए, 0, ठीक। ये 3 कंडीशंस क्लियर है लैमीज थ्योरम के अकॉर्डिंगली। अगर ऐसा डायग्राम आपको मिलता है, और ये कहां यूज होगी, जब फोर्स का चैप्टर स्टार्ट होगा, 3 फोर्सेस है ना, तो फोर्स के अंदर ऐसे डायग्राम बनेंगे, तो उसमें यह बताया जाता है कि कोई भी एक फोर्स लें F1, F1 वेक्टर के अलावा 2 और वेक्टर्स हैं, उनके बीच में एंगल कितना है, अल्फा, तो F1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा मस्ट बी इक्वल टू F2, F2 के ऑपोजिट 2 वेक्टर है जिनके बीच में एंगल कितना है, बीटा, इज इक्वल टू F3
कि ऑपोजिट दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, गामा। ये लैमीज थ्योरम है। तो अगर आपको एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में रेस्ट पे पड़ा दिखे, तीन फोर्सेस उस पर लगती हो और सिस्टम अभी भी रेस्ट पे है बिकॉज वो इक्विलिब्रियम में है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि एफ वन डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एल्फा इज इक्वल टू एफ टू डिवाइडेड बाई साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू एफ थ्री डिवाइडेड बाई साइन ऑफ गामा। ये है लैमीज थ्योरम। कैसे आया ये नोट करो, आप प्रूफ करेंगे इसके बाद। और एप्लीकेशन सुन लो, आपको ना ऐसे न्यूमेरिकल में दो फोर्स दे देगा, तीनों एंगल दे देगा, कहेगा तीसरी फोर्स की वैल्यू बताओ। ऐसे क्वेश्चन में ये हेल्प करेगी कि दो फोर्स दे देगा, तीसरी छुपा लेगा, तीन एंगल दे देगा, आप ये रेशियो लिखेंगे, तीसरी फोर्स अपने आप आ जाएगी आपके पास। तो क्वेश्चन ईजी हो गए ना, कुछ सोचना नहीं पड़ा, डायग्राम देखते ही आंसर आ गया फटाफट। वो फोर्स के अंदर मैं यूज करके दिखाऊंगा, कोई टेंशन नहीं। पर ये लैमीज थ्योरम है। कहां से आई ये लैमीज थ्योरम, उसका प्रूफ करेंगे। एग्जाम्पल लिख लो पहले, उसके बाद प्रूफ करेंगे। ठीक, देखो इसके प्रूफ के लिए सपोज करो, मैं प्रूफ उस ट्राइंगल से नहीं बता पाऊंगा, इस डायग्राम से प्रूफ आता है इसका। सपोज करो ये F1 है, ये F1 वेक्टर है, जैसे मैंने बताया F1 वेक्टर के ऑपोजिट एंगल इज अल्फा, F2 के ऑपोजिट इज बीटा, F3 के ऑपोजिट इज गामा। ड्रॉ करो अल्फा बीटा गामा, वही सेम है, F1 के ऑपोजिट अल्फा, F2 के ऑपोजिट बीटा, F3 के ऑपोजिट गामा, सेम ही चल रहा है इसमें भी। देखो मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, क्या मैं इसमें ट्राइंगल लॉ लगा सकता हूं कि नहीं? कितने लोग बोलते हैं कि लगा सकता हूं? क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि क्लोजिंग साइड नहीं है, सारे एक ही तरफ चलते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, चलो F3 की डायरेक्शन में उल्टी कर देता हूं, दो मिनट के लिए प्लीज, अब लगा सकता हूं? देखो F3 की जगह माइनस F3, तो ये क्या बन गई? क्लोजिंग, ठीक है। अच्छा कैसे बनेगा, ये क्या बन गया? रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट है? F1 वेक्टर का। एंड कोई डाउट इसमें? देखो मेरे पिछले डायग्राम और इस डायग्राम में फर्क थोड़ी ना है, उसमें F3 था, इसमें माइनस F3 है, बात तो एक ही है। क्या है पॉइंट, क्लियर है? तो अगर ट्राइंगल लॉ लगाना है तो मैं ऐसे लगा सकता हूँ उल्टा करके, कोई डाउट इसमें? तो इस डायग्राम में F1 वेक्टर, F2 वेक्टर और F3 वेक्टर का नेट सम क्या आ गया? जीरो। दिस इज योर इक्वेशन नंबर, लिखो। तो एंगल आता है ना, क्लोजिंग साइड रिजल्टेंट होती है ना, सम ऑफ F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर। तो क्लोजिंग साइड रिजल्टेंट ऑफ F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर।
क्लियर है? ठीक, कोई डाउट इसमें? अच्छा ये बताओ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन मैंने क्या लिखा, एफ वन वेक्टर, एफ टू वेक्टर, एफ थ्री वेक्टर इक्वल टू क्या? जीरो। अच्छा एक काम करते हैं, एफ वन वेक्टर, एफ टू वेक्टर, एफ थ्री वेक्टर को हम एफ टू वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, लेकिन दोनों साइड्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर भी एफ टू से क्रॉस, इधर से एफ टू भी क्रॉस, तो मल्टीप्लाई किया दोनों को एफ टू से, तो ये स्टेप क्लियर है यहां तक। और अगर इसे ओपन करें तो एफ वन वेक्टर क्रॉस एफ टू वेक्टर प्लस एफ टू वेक्टर क्रॉस एफ टू वेक्टर प्लस एफ थ्री वेक्टर क्रॉस एफ टू वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर। ओपन कर दिया इसे, ऑर्डर चेंज नहीं करना, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ऑर्डर उल्टा नहीं कर सकते, क्रॉस प्रोडक्ट है। एक स्टेप और देखो, एक वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। तो ये क्या आएगा, एफ वन वेक्टर क्रॉस एफ टू वेक्टर इज इक्वल टू, इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे, माइनस एफ थ्री क्रॉस एफ टू वेक्टर, राइट। और एक स्टेप और देख लो, फिर लिख लेना, एफ वन वेक्टर क्रॉस एफ टू वेक्टर इज इक्वल टू एफ टू वेक्टर क्रॉस एफ थ्री वेक्टर। ये स्टेप सबको समझ में आया? माइनस साइन हटा दिया और ऑर्डर, क्योंकि जब हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो माइनस आ जाता है, तो माइनस हटा दिया, ऑर्डर चेंज किया, एक ही बात है। तो प्लीज यहां तक लिख लो पहले। उट है? ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, एफ वन वेक्टर, एफ टू वेक्टर एंड एफ थ्री वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू जीरो, फिर से लिख लिया, पहले किससे क्रॉस प्रोडक्ट किया था, एफ टू, फिर रिपीट होगा इस बार एफ थ्री के साथ, तो एफ टू एफ थ्री क्रॉस एफ थ्री इज इक्वल टू जीरो क्रॉस दोनों तरफ एफ थ्री एफ थ्री। इसको ओपन करते हैं, एफ वन क्रॉस एफ थ्री प्लस एफ टू क्रॉस एफ थ्री प्लस एफ थ्री क्रॉस एफ थ्री इज इक्वल टू नल वेक्टर, और एक वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो। देख लो एक बार, फिर लिखना, ये स्टेप क्लियर है? और लास्ट स्टेप, एफ वन क्रॉस एफ, ओके, एफ टू क्रॉस एफ थ्री इज इक्वल टू, इस टर्म को राइट पे लेके जाएंगे तो माइनस एफ वन क्रॉस एफ थ्री, लेकिन अगर इसका अगर ऑर्डर चेंज करेंगे, ये लो, ये मैंने इसका क्या कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया, तो माइनस साइन यहां से हट जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर थ्री। क्यों हटता है ये देखो, आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है,
जे क्रॉस आई क्या होता है, माइनस के होता है। अगर मैं माइनस यहां ले जाऊं, ठीक है, और ऑर्डर चेंज कर दूं आई क्रॉस जे, तो मेरा आंसर सही नहीं हो गया। देखो ये देखो ना, मैंने ऑर्डर चेंज किया तो आई क्रॉस जे मेरा आंसर वेरीफाई हो गया ना, सही आ गया। अच्छा एक और तरीका है, ए क्रॉस बी क्या होता है, मतलब जो डायरेक्शन होती है, मान लो ए क्रॉस बी की इस तरफ है तो बी क्रॉस ए की उल्टी तरफ है, तो डायरेक्शन शो करता है। तो जब हम ऑर्डर चेंज करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में तो माइनस आता ही आता है, क्योंकि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। तो माइनस साइन के एडजस्टमेंट से ऑर्डर कैन बी चेंज्ड। From 2 and 3 दोनों को कंबाइन करते हैं, F1 क्रॉस F2 is equal to F2 क्रॉस F3 is equal to F3 क्रॉस F1। देखो ना, F1 क्रॉस F2, F2 क्रॉस F3, लेकिन F2 क्रॉस F3, F3 क्रॉस कंबाइन करेंगे तो तीनों इक्वल। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट किसी को इसमें? तो हमने इक्वल कर दिया। और एक लास्ट स्टेप है, ठीक, लास्ट स्टेप है, इनकी इनके मॉड इनकी वैल्यूज भी इक्वल होंगी, ऑब्वियसली वेक्टर इक्वल है तो वैल्यूज भी इक्वल होंगी। ओपन करना जरा, बताओ क्या आंसर आएगा। F1 क्रॉस F2 इज F1 इनटू F2 इनटू साइन ऑफ क्या बोलो, F1 वेक्टर ये रहा, F2 वेक्टर ये रहा, और F3 वेक्टर ये माइनस F3 है, F3 वेक्टर तो हमारा ओरिजिनल उल्टा था ना, ऐसे था, ये लो बताओ F1 F2 में एंगल क्या है। कितने लोग बोलते हैं यहाँ अल्फा लिख लो, सॉरी गामा लिख लो, कितने लोग बोलते हैं 180 माइनस गामा लिख लो, और बाकी लोग ये सोच रहे हैं कि आंसर कैसे दे रहे हैं बाकी लोग। देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का मतलब डायरेक्शंस के बीच में एंगल, F1 वेक्टर की डायरेक्शन ये देखो मेरे हाथ की तरह, F1 वेक्टर ये रहा, F2 वेक्टर ये रहा, तो क्या एंगल आएगा ये वाला, जो कि क्या आएगा 180 माइनस गामा। पॉइंट समझ में आया, क्योंकि F1 वेक्टर ये रहा, जाने दो ना आगे की तरफ, F2 वेक्टर ये रहा, F1 और F2 के बीच में 180 माइनस गामा। पॉइंट समझ में आया। सिमिलरली F2 F3 बोलो, F2 और F3 के बीच में एंगल क्या बनेगा, F2 ये रहा F3 ये रहा, F2 की डायरेक्शन आगे जाने दो कोई दिक्कत नहीं, तो अगर ये अल्फा तो ये कितना 180 माइनस अल्फा, तो यहां पर क्या आएगा 180 माइनस अल्फा। ये स्टेप क्लियर है यहां तक। और सिमिलरली F3 F1 ये है रहा आपका F3, जाने दो आगे, ये रहा F1, तो बोलो क्या 180 माइनस बीटा। ठीक है ना, यहां था वो अलग बात है कि मैथ्स में साइन ऑफ 180 माइनस गामा इज अगेन
साइन गामा, सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, 180 माइनस समथिंग, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एफ वन एफ टू इंटू साइन ऑफ गामा, ऐसे ही एफ टू इंटू एफ थ्री इंटू साइन ऑफ एल्फा, एफ थ्री इंटू एफ वन इंटू साइन ऑफ बीटा, एक ही बात है। ठीक, और लास्ट स्टेप, इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो एफ वन एफ टू एफ थ्री, एफ वन एफ टू एफ थ्री, एफ वन एफ टू एफ थ्री कैंसल, यहां से एफ टू और एफ थ्री कैंसल, एफ थ्री और एफ वन कैंसल, तो क्या बना, साइन गामा एफ थ्री, साइन ऑफ एल्फा एफ वन, साइन ऑफ बीटा एफ टू, और इसको रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, एफ थ्री बाय साइन गामा, एफ वन बाय साइन एल्फा, एफ टू बाय साइन, ये लो, ये वही चीज आ गई जो हमने यूज की थी लैमीज़ थ्योरम में थोड़ी देर पहले। बताओ इससे बढ़िया प्रूफ क्या मिलेगा।